What is pending is one small topic here, right here. Internal controls, risk assessment. That's the second last topic in your notes. Risk assessment and internal controls, second last topic. Okay. Shall we start? Chalo. What is the first one? Components of internal control. That is what we are going to talk about. Components of internal control. Okay. So, chapter to bada normal sa hai. You have been learning this since IPCC. In fact, today also we have done a lot of discussion on internal controls. बट इसमें एक छोटा सा उन्होंने अमेंडमेंट करा दिया, डिवाइज्ड अ मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल कंट्रोल. एंड व्हाट इज द डिवाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर? पांच चीजें दी है उन्होंने अबाउट इंटरनल कंट्रोल एज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये मॉड्यूल में भी उन्होंने चेंज करा है. हेलो, मॉड्यूल में चेंज किया है. आईपीसीसी के मॉड्यूल में भी ये चेंज आया है. अगेन आई फील दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन फॉर योर अटेम्प्ट, सो यू कैन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. Components for internal control. Okay, पांच controls. कौन कौन से components है देखो, let us understand. The very first one is control environment. आज हम बहुत ज्यादा internal controls के ऊपर discuss कर रहे हैं, तो internal controls का एक थोड़ा formal structure किस तरीके से devise किया, let us understand. सबसे पहले, who do you think should be primarily held responsible for internal control? मैनेजमेंट के ऊपर भी अगर कोई है तो TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. हम बोलते हैं ना कि अगर आपका लीडर ही करप्ट है तो उसके फॉलोअर्स जो भी है वो भी तो करप्ट ही होने वाले हैं. जब मोदी जी बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, ऑटोमेटिकली इज ही फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन गवर्नेंस, इज ही फोकसिंग मोर ऑन बेटर डिस्क्लोजर्स. एब्सोल्युटली यस. तो क्या कंपनी की खुद की कोई एक एथिकल पॉलिसी होनी चाहिए क्या, एथिक्स की पॉलिसी होनी चाहिए क्या? एब्सोल्युटली यस. सो कंपनी की खुद की एक एथिक्स की पॉलिसी होना, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ कीवर्ड हियर. दे शुड हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट. क्या ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में से डिजाइंड होता है कोड ऑफ कंडक्ट? एब्सोल्युटली यस. अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया तो आपको उसके लिए पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. ये कहाँ पे आता है? पूरा आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में. सो दो मेन चीजें आती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में. डू यू हैव सम स्पेस एट द एंड इन योर नोट्स और येलो पेज? एक्चुअली जो फोटोकॉपी वाले अंकल है उन्होंने, मैंने जो ये लास्ट के जो दो पेजेस खुद ने ब्लैंक छोड़े हैं, ही फेल्ट दैट आई हैव लिवन एज ब्लैंक बाय मिस्टेक. सो उन्होंने कन्वीनियंटली वो दो पेजेस काट दिए लास्ट के, दो जो मेरे इसमें ब्लैंक आपको दिख रहे हैं. So, anyways, if you want to take out your notes or something like that, I'll just quickly dictate some part to you. जो मैंने किसका एक short version बनाया खुद ने. ये था recording उधर. चलो, so shall we start? आप एक ऐसे कर सकते हैं, components. Components of internal control. You can give that as a central heading. Components of internal control and divide it into five parts. पांच major parts के बारे में discuss करने वाले हैं. The very first one being control environment. Okay. Control environment में सबसे पहली चीज मैंने बोला ऐसे, आर वी टॉकिंग अबाउट एट अ नैरोअर लेवल और एट अ वेरी ब्रॉड लेवल एज फार एज कंट्रोल एनवायरमेंट इज कंसर्न? वेरी ब्रॉड लेवल. कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? बड़े बड़े लोग, TCWG एंड ये वो. तो इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या आते हैं देखो, लेट अस राइट डाउन वन बाय वन. कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. इंटेग्रिटी होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए. सेकेंड हमने जो बोला था, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस है या फिर आपका खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, शुड दैट बी फ्रेम्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द ब्रॉडर लेवल? यस.
मैंने बोला ऐसे, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका, TCWG का या मैनेजमेंट का? प्राइमरी पार्टिसिपेशन एज फार एज कंट्रोल एनवायरमेंट ब्रॉडर लेवल इज कंसर्न, TCWG. सो पार्टिसिपेशन बाय TCWG. एंड लास्ट पॉइंट, मैंने बोला ऐसे, क्या सिर्फ TCWG होगा या मैनेजमेंट की खुद की भी एक कुछ फिलॉसफी होनी चाहिए? मैनेजमेंट का भी एक ऑपरेटिंग फिलॉसफी होनी चाहिए. शुड इट बी इन लाइन विद द TCWG और अगेंस्ट TCWG? इट शुड बी इन लाइन विद TCWG. सो फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट्स फिलॉसफी. मैनेजमेंट्स फिलॉसफी रिगार्डिंग ऑफकोर्स वॉट, गुड इंटरनल कंट्रोल्स डैश गुड इंटरनल कंट्रोल्स. मैनेजमेंट फिलॉसफी होनी चाहिए रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, सो फटाफट बोलो, पहले किसके बारे में बात करी? मैक्रो, एकदम एट अ ब्रॉडर लेवल, कंट्रोल एनवायरमेंट लेवल. अब थोड़ा सा लेट्स डिग डाउन अ लिटिल बिट. सेकंड पॉइंट क्या है देखो, सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट एंटिटीज रिस्क, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. जिन्होंने ऑडिट स्टार्ट किया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये आपका एसए नंबर 315 में आता है. वॉट आर द वेरियस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? चलो हु कैन थिंक, थोड़ा सा अभी लॉजिकल थिंकिंग भी थोड़ा सा भी करते हैं. इंटरनल कंट्रोल में रिस्क कहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं? अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसे ऐसे हुआ तो फोकस करो. नया बंदा आ गया, न्यू रिक्रूट, तो शुड यू फोकस कि ये बराबर से काम कर रहा है कि नहीं? दोनों इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी नंबर वन, न्यू रिक्रूट आ गया. पॉसिबिलिटी नंबर टू, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया. चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से अभी जैसे वी मूव फ्रॉम फिजिकल सिस्टम्स टू डिजिटल सिस्टम्स, जब फर्स्ट टाइम मोबाइल बैंकिंग आया था या फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग आया था, OTP पहले से था क्या? OTP तो इट्स कम जस्ट रिसेंटली ना, 1 or 2 years अगो. कहना ऐसे ये सब चीज़ें धीरे 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 आने रहती है. सो कहना ऐसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ये गड़बड़ हो सकती है, ब्लॉक दैट, गेट वन न्यू इंटरनल कंट्रोल. सो एज मैनेजमेंट पहले आपने क्या किया, ब्रॉडर सेंस में किया कंट्रोल एनवायरमेंट. अब आप क्या कर रहे हो, एक 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 एरिया के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिवाइस करते जा रहे हो. सो इसके जो की एरियाज आने वाले हैं, लेट अस क्विकली राइट देम. सबसे पहले हमने क्या बोला, न्यू पर्सोनल. क्या इसके लिए आपके अलग से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होनी चाहिए न्यू पर्सोनल के लिए? एब्सोल्युटली यस. सो आपने देखा होगा ना, बहुत बार जब कोई नया बंदा आता है तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ तो एक लेटर मांगते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर से लेटर मांगते हैं रिगार्डिंग व्हाट, उसका बिहेवियर कैसे था, उसका एक बेसिकली बैकग्राउंड चेक बोलते हैं उसको. कि उसके बारे में कुछ फ्लॉज थे क्या, उसने कुछ फ्रॉड किया है क्या प्रीवियस कंपनी में. कैन आई से दैट्स अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर अ न्यू रिक्रूट? एब्सोल्युटली यस. दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, चेंज इन व्हाट, क्या हुआ अभी अभी बोला था हमने, चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो क्या रिस्क बढ़ सकता है कि नहीं, रिस्क बढ़ सकता है. विल यू हैव टू लूप, विल यू हैव टू यू नो गैप दीज ब्रिजेस? यस. इनफैक्ट जब पेटीएम आया था, जब ये पूरा डीमोनेटाइजेशन का किस्सा हुआ था, पेटीएम वॉज इन टू फुल बूम. इनफैक्ट मैनी पीपल हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ पेटीएम एज एन अल्टरनेट करेंसी ऑल्सो. पेटीएम नहीं है क्या आपके पास, मतलब एज इफ दे आर डूइंग सम क्राइम. एंड पेटीएम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सिक्योरिटी नहीं थी पेटीएम के लिए. क्या सिक्योरिटी नहीं थी, मेरा फ़ोन गुम हो गया अगर, एनीवन हु एक्सेसेस माय फ़ोन हैड अ कंप्लीट एक्सेस टू माय मोबाइल वॉलेट. अब अगर किसी ने फ़ोन में कोई पैटर्न वैटर्न लॉक नहीं सेट किया है तो ख़त्म ना, मेरा मोबाइल गया किसी के हाथ में तो ही कुड हैव ट्रांसफर्ड एनी अमाउंट ऑफ मनी टू हिज ओन वॉलेट. बट व्हेन पेटीएम पीपल स्टार्टेड कमिंग टू नो, अरे यार ज़्यादा ज़्यादा लोग अब मेरा पेटीएम वॉलेट सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या लाया उन्होंने, हाँ अब द मोमेंट यू गो फॉर मेक पेमेंट या फिर व्यू पासबुक. पेटीएम आई एम श्योर सब ने एक बार तो यूज़ किया ही होगा, तो व्यू पासबुक है या फिर मेक पेमेंट है, द मोमेंट यू से दैट व्हाट डज इट आस्क फॉर, पासवर्ड. आइदर पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, सम काइंड ऑफ पासवर्ड इट आस्क फॉर. कैन आई से दैट्स एन एडिशनल सिक्योरिटी विच दे हैव गॉटन. क्या ये ब्रॉडर लेवल पे हुआ या ये एक 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 प्रोसीजर पे हुआ, सिंगल प्रोसीजर पे हुआ? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 and point number 2. इज इट क्लियर? नंबर 3, पीयर प्रेशर बढ़ गया.
पीयर प्रेशर बढ़ गया तो लोग गलत चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल बिठाओ। पीयर प्रेशर, क्लासिक एग्जांपल जियो, जो बोलते थे जियो और जीने दो, वो फॉलो नहीं हुआ हो रहा है। जियो तो खुद बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने मतलब वॉट एवर दे टॉक्ट अबाउट, आई होप यू माइट हैव सीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मिस्टर अंबानी, एंड उन्होंने इतने हद तक स्टेटिस्टिकल डेटा दिया था वेर इन ही सेड दैट हमारे टोटल इतने जियो सब्सक्राइबर्स हो गए पिछले इतने महीनों में, दैट देर वर रफली 8 सब्सक्राइबर्स विच वर गेटिंग एडेड पर सेकेंड। 8 सब्सक्राइबर्स गेटिंग एडेड पर सेकेंड। अब उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा जो डेटा बेस बना के रखा है, सो दे आर प्लेइंग ऑन द गेम ऑफ डेटा बेस। अब ये डेटा बेस शायद बेच सकते हैं किसी को, उससे पैसा ले सकते हैं, दे कैन मेक इन टू पार्टनरशिप। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है आगे जाके जियो के कैब्स स्टार्ट होने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड कैब्स के लिए अगेन दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा बेस, दे कैन पुल इन पीपल कि हमारे, अब एक बार डेटा बेस है तो आपका बिजनेस ही दिमाग चलना चाहिए, बस कहाँ कहाँ पे आप घुस सकते हैं, फिर दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। बट अब देखो किसके ऊपर प्रेशर आ गया, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन। तो इन्होंने एज अ बेसिक स्ट्रेटेजी क्या करा, जियो के फ़ोन कॉल्स हम ड्रॉप करेंगे, जियो टू नॉन जियो फ़ोन कॉल आ रहा है, तो आइडिया ने बोला उनको फ़ोन करने दो ना, हमारे सब्सक्राइबर ने रिसीव करना है कि नहीं है हम डिसाइड करेंगे, जियो से कॉल आ रहा है ड्रॉप करो। दैट इज़ वॉट दीज पीपल स्टार्टेड एज अ स्ट्रेटेजी। बहुत बहुत उन्होंने एक्चुअली एब्सोल्युटली पोर्टेबिलिटी के ऊपर भी उन्होंने इश्यूज खड़े करके थे। सो नाउ व्हाट हैपेंड, कैन आई से जहाँ पे भी पीयर प्रेशर आने लगा, तो कैन आई से कोई बिजनेस ऐसे हो सकता है कि एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले एंड काउंटर करे, या फिर गलत रास्ता अपना के काउंटर करे, दोनों भी हो सकता है ना। गलत रास्ता अपना के काउंटर कर रहे हैं तो कहना ऐसे कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं। चांसेस ऑफ फ्रॉड्स कैसे बढ़ेंगे, आई जस्ट क्विकली टेल यू। जैसे शेयर होल्डर्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, अगर कल आइडिया, इफ यू नो आइडिया इज अ लिस्टेड कंपनी, डू यू नो दिस, आइडिया इज अ लिस्टेड कंपनी, एयरटेल इज अ लिस्टेड कंपनी, कल अगर आइडिया ने खराब रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, जियो की वजह से हमारा नुकसान हो गया, इनका शेयर प्राइस घटेगा, ये ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो, कैन दे डू अ मैनिपुलेशन इन सेल्स, कैन दे डू मैनिपुलेशन इन प्रॉफिट्स, यस। ये ना हो इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट ने देखना चाहिए, पीयर प्रेशर आ रहा है क्या किधर, पॉइंट नंबर 3 जो हमने अभी लिखा, पीयर प्रेशर आ रहा है क्या, ज़बरदस्त पीयर प्रेशर आ रहा है क्या, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी देखो इज इट वर्किंग प्रॉपरली, इधर फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा है, आर यू गेटिंग मी। सो पॉइंट नंबर 1 इज ट्राइंग टू कंट्रोल फ्रॉड्स एंड एरर्स एट केस टू केस लेवल और ब्रॉडर लेवल, लेफ्ट हैंड साइड कंट्रोल एनवायरमेंट, इज इट ब्रॉडर लेवल और केस टू केस लेवल, ब्रॉडर लेवल, एंड दिस वन विच आई एम राइटिंग इन रेड इंक दैट इज एट अ केस टू केस लेवल, क्लियर है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि एंटिटी एंटरिंग इन टू न्यू बिजनेस पहली बार किसी एरिया में एक्सपांड किया है, कुड इट हैपन दैट उनको उस एरिया के बारे में इतना 100% नॉलेज नहीं है, एंड कैन द एम्प्लॉयज टेक आउट सम लूपहोल्स इन दैट एंड डू सर्टन काइंड ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, यस। सो जब भी कोई नया एरिया में आप घुस रहे हो, शुड यू हैव प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन प्लेस बिफोर यू स्टार्ट फुल्ली ऑपरेशनल इन दैट एरिया, यस। सो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आगे वाला ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि एक्सपांडिंग और यू कैन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सपांडिंग यू कैन राइट डाउन रैपिड एक्सपांशन, रैपिड एक्सपांशन। आई वॉज डूइंग ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट एंड इंडिविजुअल क्लाइंट था एंड ही वॉज अंडर द टेंशन दैट फर्स्ट टाइम शायद उनको सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आपका 9 लाख का लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए, 10 लाख का कलेक्शन के लिए, ओके। प्रीवियस ईयर उनका रेवेन्यू कुछ 8-8.5 लाख पे आके रुका था, प्रोफेशनल इंसान है, एंड बिलीव इट और नॉट उनका अगले साल के पहले 6 महीने में ही 10 लाख हो गया, जो 8.5 लाख एक साल का था पिछले, इस साल 10.5 लाख हो गया, एंड सेकेंड हाफ में उनको 2-3 इतने बड़े असाइनमेंट मिले कि उनका टर्नओवर डायरेक्टली 32 लाख पे गया, फ्रॉम 8.5 लाख टू 32 लाख। ये चिंता में पड़े हुए थे कि मुझे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, अरे इनको तो अचानक से टैक्स ऑडिट ही एप्लीकेबल हो गया था, 2-3 साल पहले की बात है। कहने से ये अचानक क्या हुआ, नेक्स्ट व्हाट पॉइंट वी हैव रिटन,
अचानक रैपिड एक्सपेंशन हो गया, ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेंशन हो गया, क्या ना इसे कहीं ना कहीं इतना वॉल्यूम हैंडल करने के लिए उनके पास उतना स्टाफ रहेगा क्या? इतना वॉल्यूम हैंडल करने के लिए उन्होंने अभी तक तो 10% ग्रोथ देखा है, अभी ऐसे धीरे 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 आते आते 8.5 लाख पे आके रुके थे, 8.5 लाख से 32 लाख का जब जंप मारा है तो कहना इसे देर कुड बी सम लूप होल्स, देर कुड बी सम वीकनेसेस। अगर कोई शातर दिमाग का एम्प्लॉय है, कुड ही हैव मे बी जस्ट टैप्ड दैट एंड ही कुड हैव डन सम फ्रॉड्स देर? यस। तो जहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन हुआ, अचानक से एक्सपेंशन हुआ, क्या वहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने चाहिए? हाँ। इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर? यस। लास्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस। जहाँ पे मेरे फॉरेन ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगेन कहने से रिस्क बढ़ गए या कम हो गए? कंप्लायंस विद देयर लॉज एंड व्हाट नॉट, रिस्क डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड चले गए। सो एज मैनेजमेंट शुड आई ट्राई एंड प्लग द डिफरेंट लूप होल्स विच माइट अकर? यस। सो पहले दोनों पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट क्या था बोलो? फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट वन, कंट्रोल एनवायरमेंट। एक एंटिटी लेवल पे अच्छी पॉलिसी बनाओ, एथिक्स की पॉलिसी बनाओ, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, ये सभी तक प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। अच्छा लीडर है, अच्छे एथिक्स है, तो आइडियली एंटिटी विल रन ऑन अ साउंड पाथ। ये ओवरऑल लेवल पे हो गया। दूसरा कौन सा है बोलो? सेकेंड वन इज अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इज दैट ओवरऑल और केस टू केस बेसिस? केस टू केस बेसिस। ओके, थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। ये आप IPCC से पढ़ते आ रहे हैं, वो कंट्रोल एक्टिविटीज है, मेकर चेकर सिस्टम, बराबर ना? अगर आपने अच्छा, इज मेकर चेकर गॉट टू डू एनीथिंग विद इंटेग्रिटी एथिकल वैल्यूज? नॉट रियली। एथिक्स अलग बात है, इंटेग्रिटी अलग बात है, एंड एक मेकर चेकर पॉलिसी रखना, ये क्या है? ये मेरी एक कंट्रोल एक्टिविटी है। लोग कितने भी एथिकल होने दो, ऐसे एक इंग्लिश प्रोवर्ब है विच सेज दैट एवरी मैन इज अ जेंटलमैन विद अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लगने में बड़ा सज्जन है, बट द मोमेंट ही सीइंग सम अपॉर्चुनिटी टू परपेट्रेट इनटू अ फ्रॉड, उसका दिमाग घूम सकता है। सो एथिकल वैल्यूज कितने भी डालो, क्या कंट्रोल रखा होना चाहिए हर जगह पे? एब्सोल्युटली यस। कंट्रोल किस तरीके से रखा जाता है? द वेरी सिंपल वन इज, व्हाट डू वी से? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इनटू ब्रैकेट आप क्या लिख सकते हैं? मेकर चेकर। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज अ नॉर्मल वन, क्या परफॉर्मेंस रिव्यूज भी रख सकते हैं? परफॉर्मेंस रिव्यूज मीन्स व्हाट? हर एक को जो जो टारगेट्स दिए वो बराबर फुलफिल हो रहे कि नहीं? ए नॉर्मल पॉइंट है, नथिंग स्पेशल हियर, सिंपल वन। चलो विदाउट लुकिंग टू द नोट्स, पहला पॉइंट क्या था? कंट्रोल एनवायरमेंट, ओवरऑल लेवल पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है क्या? एथिकल वैल्यूज, दिस दैट, कोड ऑफ कंडक्ट, एवरीथिंग। सेकेंड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इज इट अबाउट अ सिंगल एक्टिविटी? एब्सोल्युटली यस। ब्रॉडर लेवल पे लगा, सिंगल लेवल पे कंट्रोल तो रखे, लेकिन क्या इसको आपको वापस से मॉनिटर करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे करा? मेकर चेकर सिस्टम बिठा दो, या फिर हर एक क्वार्टर के बाद, हर एक ईयर के बाद, हर एक हाफ ईयर के बाद क्या करना चाहिए? अपने परफॉर्मेंस रिव्यूज करने चाहिए। इज इट गोइंग टू लीड टू अ बेटर इंटरनल कंट्रोल? यस। ओके, चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट राइट डाउन, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब जैसे हम बोलते हैं मेकर चेकर, एक्चुअली कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स काफी क्लोज जाते हैं एक दूसरे के, बट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म ऑफ एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, यू नो व्हाट आर एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स? कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो इट गेट्स फ्लैग्ड ऑफ। मीन्स व्हाट? मान के चलो अगर कोई एकाध बैंक अकाउंट है विच हैज नॉट बीन रिकनसाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपके CIS मतलब आपका जो SAP या फिर कोई भी अगर ERP सिस्टम है
उसमें आपको एक रेड फ्लैग, एक फ्लैगिंग ऑफ हो जाएगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर. या फिर इवन यू हैव डन अ नॉर्मल टैली अकाउंटिंग, जहाँ पे भी कैश नेगेटिव में दिखने लगता है, उसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है ना. कह रहे से दैट इज़ नथिंग बट अ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. मैंने तो अच्छी पॉलिसी रखी थी, मैंने तो लूपहोल्स प्लग करने की कोशिश की थी, मैंने तो मेकर चेकर रखा था, अरे लेकिन मेकर चेकर दोनों ने हाथ मिला लिया. कुड दैट हैपन? इज दैट एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? ये मेरी जूनियर है, मैं उसकी बॉस हूँ, मुझे बोला ये मेकर है, मैं चेकर हूँ, मैंने हमने क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया, जैसे आधा तू खा ले आधा मैं खाती. कुड दैट हैपन? येस. सो शुड देयर बी समथिंग विच शुड बी इनबिल्ट इन द सिस्टम ऑल्सो, जो आइडेंटिफाई हो पाए? आ रहा है कि ध्यान में? या फिर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, कितना क्रेडिट पीरियड देने की पॉलिसी अपनी, मान के चलो 90 डेज क्रेडिट पॉलिसी है कंपनी की. एक ही पार्टी है जो हमेशा 120 दिन के बाद पेमेंट करती है और उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है. क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? परचेज डिपार्टमेंट वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं बीच में. या फिर सेल्स के बारे में अगर है, सेल्स 120 डेज हमने अगर क्रेडिट पीरियड दिया है, अगर मैं सेलर हूँ ये बायर है, मेरी जनरल टर्म्स क्या है? 90 डेज क्रेडिट. इसने मुझे 120 दिन के बाद पेमेंट दिया, एक बार नहीं बार बार, एंड फिर भी मैं उसको हर बार वेव ऑफ कर रही हूँ, क्या उसका एंड मेरा कुछ सेटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. सो फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ अ मैनुअल कंट्रोल, कहाँ पे फ्लैगिंग ऑफ हो रहा है? इन द सिस्टम इटसेल्फ. सो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कैन बी डन थ्रू वेरियस पॉइंट्स. लाइक पहला कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? BRS का एग्जाम्पल दिया. दूसरा है एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स. एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स ये जनरेट हो सकते हैं. एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? पहला नेगेटिव कैश का एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट हो सकता है. नेगेटिव कैश का एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट हो सकता है. दूसरा और एक इंपॉर्टेंट, स्टॉकआउट. यू नो व्हाट इज स्टॉकआउट? स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे आया था, मिनिमम लेवल पे आया, डेंजर लेवल पे आया, स्टॉक आउट हो गया, खत्म हो गया स्टॉक, और अभी भी किसी ने परचेस ही नहीं किया. सो कैन आई से समथिंग हैज गॉन रॉन्ग? माय इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी हैज लैप्स्ड, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर. क्या ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट करके जनरेट होना चाहिए? एब्सोल्युटली. क्यों स्टॉक खत्म हो गया? सो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी. इज दैट एन एक्सेप्शनल रिपोर्ट? एब्सोल्युटली यस. सो स्टॉक आउट रिपोर्ट्स. ओके, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से भी हो सकता है. अगर देखो मैं अलग अलग एग्जांपल्स दे रही हूँ, एक कैश डिपार्टमेंट का दिया, एक स्टॉक डिपार्टमेंट का दिया. एक एम्प्लॉयज़ के बारे में देख लो, एम्प्लॉयज़ का समटाइम्स भी से तो कुछ तो गड़बड़ है, बट कभी कभी ये टू गुड टू बी ट्रू फैशन में भी जा सकता है. एक्सेप्शनल रिपोर्ट कैसे जनरेट हो सकता है? गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग टिल 1 AM फॉर एटलीस्ट 5 डेज इन अ मंथ. ऐसे कौन से ओवर एंथू एम्प्लॉयज है जो रात को 1-1 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जब मुझे पता है कि इसका लोड क्या क्या है? हाँ, इसको बहुत लोड ही है तो हो सकता है. द नॉर्मल सेल्स मैनेज, सेल्स का कोई एक बंदा है एंड ही इज वेटिंग टिल 1 AM. सो कैन आई से शायद वो रॉकेट सिंह देखा ना आपने, शायद वो कंपनी के कस्टमर्स खुद के कस्टमर्स में कन्वर्ट कर रहा है, शायद वो कंपनी के नाम पे ही, मतलब कंपनी के प्रिमाइसिस में ही खुद का एक यूनिट भी बिठा रहा है शायद. कैसे समझ में आया मुझे कौन सा रिपोर्ट जनरेट हुआ? एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट हुआ. कैसे पता चला यह बंदा 1 बजे तक बैठा था? यू हैव योर स्वाइप इन कार्ड्स, एम्प्लॉय कार्ड्स. स्वाइप इन कितने बजे किया, स्वाइप आउट कितने बजे किया? सो क्या टाइम मशीन से आपको समझ में आ सकता है विच एम्प्लॉय इज वेटिंग बैक टिल वॉट टाइम? कौन 31 December को रात को 2 बजे तक ऑफिस में था? हद ही हो गई यार, इतना एंथुजियास्टिक तो कोई हो ही नहीं सकता है. सो कैन आई से ही माइट हैव रिमेन्ड इन द ऑफिस विद सम मैलिशियस इंटेंशन, किसी खराब इंटेंशन से रिकॉर्ड, ताकि कोई उस दिन ऑफिस में ना हो एंड उसको जितने भी अपने पर्सनल गेन्स के लिए कोई ट्रांजेक्शन करने वो तब कर सके. क्या ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट है? हाँ. इज दिस अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस? सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स आई फील इज सुपर इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव सच एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स इन योर सिस्टम एंड देर शुड बी सम पर्सन, an independent person who monitors these exceptional reports. Okay, is it that control activities talks about physical controls?
एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल स्टॉक्स अबाउट आईटी सिस्टम जनरेट काइंड ऑफ येस एंड इनफैक्ट पांचवा जो आ रहा है वो तो पूरा पूरा आईटी कंट्रोल्स के ऊपर ही आएगा और एडिशनल एडिशनल उसके ऊपर आएगा. बट यू आर वेरी क्लोज. यू कैन से आई जस्ट रिपीट व्हाट शी इज सेइंग. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है मेकर चेकर, क्या ये थोड़ा मैनुअल कंट्रोल की तरफ जा रहा है? परफॉर्मेंस रिव्यूज अगेन मैनुअल कंट्रोल की तरफ जा रहा है. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं इसमें आईटी का एलिमेंट टेक्नोलॉजी का एलिमेंट ज़्यादा है. ओके यस. एंड लास्ट वन कौन सा बोला था मैंने? एम्प्लॉई अटेंडेंस. एम्प्लॉई अटेंडेंस ये एक पॉइंट एडिशनल बोला था राइट. एंड पांचवा जो पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस अभी नॉर्मल पॉइंट है. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन दिस इज मोर ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट. इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली क्लासिफाइड और नॉट. ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली क्लासिफाइड. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड. सो लास्ट पॉइंट जो था इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इज इट मोर अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल? येस और नो? लास्ट जो हमने लिखा ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में था. आई वॉज जस्ट हैविंग अ सेकेंड थॉट ऑन वट शी वॉज आस्किंग राइट नाउ. डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. और एक छोटा इंस्टेड ऑफ फिजिकल कंट्रोल एंड मैनुअल कंट्रोल बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मेकर चेकर तो आई टी बेस्ड भी हो सकता है. जैसे ओ टी पी वाला जो एग्जाम्पल दिया वो चेकर इज आई टी बेस्ड ना. बट इन दोनों में फिर क्या फर्क हो सकता है? कैन कंट्रोल एक्टिविटी बी डन साइमल्टेनियसली? क्या साइमल्टेनियस कंट्रोल लगाया जा सकता है? हाँ. बट मॉनिटरिंग जो होता है मॉनिटरिंग जनरली समवेयर एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है. जैसे अगर आपने देखा देखो BRS कब पता चला? पीरियड खत्म होने के बाद पता चला. नेगेटिव कैश वो नेगेटिव जाने के बाद पता चला. स्टॉक आउट होने के बाद पता चला ये बंदा लेट बैठ के काम कर रहा था ये उसके बाद पता चला. सो यू कैन टॉक अबाउट अ डिफरेंस मोर ऑफ टाइमिंग कब कब कंट्रोल हो रहा है. एक कंट्रोल साइमल्टेनियसली हो रहा है एंड एक थोड़ा सा एट अ लेटर स्टेज हो रहा है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट ना. अगर कंट्रोल एक्टिविटीज आप पकड़ नहीं पाए तो क्या पकड़ किसके पकड़ में आना चाहिए? फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में आना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स दैट इज योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट. पक्का क्लियर है क्या? चलो डोंट लुक इन टू द नोट्स. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5 पॉइंट इन योर ओन वर्ड्स अगर भी आपने बोले. पहला पॉइंट कंट्रोल एनवायरमेंट ब्रॉडर लेवल. सेकेंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स सिंगल प्रोसीजर रिलेटेड कंट्रोल्स. थर्ड कंट्रोल एक्टिविटीज जो हम बोल रहे हैं जनरली साइमल्टेनियसली जो होंगे. चौथा कंट्रोल मैं करना चाहती थी बट कंट्रोल नहीं हुआ ये मेरे नज़र से हट गया तो एटलीस्ट मॉनिटरिंग में समझ में आना चाहिए. बराबर मॉनिटरिंग में आना. सो ये थर्ड एंड फोर्थ कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोरिलेटेड है. टाइम इंटरवल्स में थोड़ा सा फर्क आ सकता है. एंड लास्ट वन हमने क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट इज मोर अबाउट फाइनेंशियल्स. पक्का पांचों कंपोनेंट समझ में आए? दिस वाज मोर और लेस ऑफ एन एक्चुअली आईपीसीसी लेवल डिस्कशन. बट यू नो अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके हेडिंग्स तो मेन आने चाहिए. इसका अंदर का कॉन्टेंट आपके वर्ड्स में लिखो नो प्रॉब्लम बट द हेडिंग शुड बी एग्जैक्टली द सेम. इज इट क्लियर? शैल आई मूव ऑन? अब क्या क्या रह गया एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं अपन. जस्ट चेक लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते ऐसे करने के बाद ही होता है वो. बारिंग लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इज एनीथिंग एल्स पेंडिंग? अच्छा वो कंसोलिडेशन का हमने एक आधा छोड़ दिया था ना. यस यस यस. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट. दिस इज द ओनली बिग वन पेंडिंग ना. इतना भी बड़ा नहीं बट है थोड़ा.
अच्छा, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने जो अभी बोला था दैट वाज एक पार्ट, हमने ऑलरेडी बोला था सब्सिडियरीज को कैसे कंसोलिडेट करना है. कैन यू रिकॉल, डोंट लुक इन टू द नोट्स, चलो फटाफट बोलो. पहला पॉइंट हमने क्या बोला, क्या हर एक कंपनी को उसके सब्सिडियरी. सो वॉट इज हैपनिंग दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैड जस्ट डिस्कस्ड बिफोर द ब्रेक सेक्शन नंबर 129. फटाफट बोलना है, विदाउट लुकिंग टू द नोट्स बोलना है. क्या पहला पॉइंट हमने बोला, क्या हर एक सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी, क्या सबको कंसोलिडेट करना पड़ेगा? हाँ. कोई कोई कंसोलिडेट नहीं किया तो चलेगा, कोई एक आध सब्सिडियरी. क्यों? तीन कंडीशंस है. तीन कंडीशंस कौन से? पहला, मेंबर्स को बोला कि भाई हम कंसोलिडेट नहीं करने वाले, एंड उन्होंने अपने पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है कि किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, अनलिस्टेड सब्सिडियरी है तो ये चलेगा, बिकॉज लिस्टेड है तो किसके पकड़ में आ गया? सेबी के. ये अनलिस्टेड सब्सिडियरी है तो ही चलेगा. एंड तीसरा, अल्टीमेट सब्सिडियरी, अरे क्या कर रही हूँ, अल्टीमेट होल्डिंग या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग ने कंसोलिडेट करना चाहिए टू अवॉइड डुप्लीकेशन. क्या हमने ये सभी पॉइंट बोले थे? आर यू एबल टू रिकॉल थिंग्स? वेरी गुड, फैंटास्टिक. चलो, सो ये एक पहला पॉइंट तो अपना हो गया है. अब इसमें और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पेंडिंग है, लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस. नेक्स्ट इसमें आ जाओ. इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी, मार्क करो, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एन ओपिनियन ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच कंपोनेंट वुड बी डन ऑन अ कंपोनेंट वाइज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस. आई एम श्योर आपको ये पता होगा, एक बार फटाफट बता देती हूँ. ए इज होल्डिंग कंपनी, बी सी डी आर इट्स सब्सिडियरीज. ओके, क्या हर एक का इंडिविजुअली भी ऑडिट होता है? हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली यस. तो हर एक की मटेरियलिटी अपने अपने स्टैंडर्ड्स, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होती है, या ग्रुप लेवल मटेरियलिटी डिसाइड होती है अपने अपने हिसाब से? आर यू गेटिंग मी? एक बार क्विक रिकैप, अपने ही केस है. एल इज होल्डिंग कंपनी, एम इज सब्सिडियरी, एन इज फर्दर सब्सिडियरी. सब्सिडियरी सब्सिडियरी सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न नहीं, सॉरी, इसको सब्सिडियरी सब्सिडियरी या फिर दिस वन मोर वर्ड फॉर दैट, फेलो सब्सिडियरी इज ऑल्सो डिफरेंट. सब है ही नहीं, सब्सिडियरी बोलेंगे हम इसको. फेलो सब्सिडियरी क्या होता है बताती हूँ. एल इज द होल्डिंग, एम एंड एन आर इट सब्सिडियरीज. तो एम एंड एन आर सिस्टर कंसर्न, दिस इज लाइक अ चेन सब्सिडियरी, समथिंग लाइक दैट. ओके, चलो, सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हम क्या बोल रहे हैं. एल का ऑडिट अलग से होता है, एम का ऑडिट अलग से होता है, एन का ऑडिट अलग से होता है. क्या मटेरियलिटी लेवल एल एम एन ग्रुप पे डिसाइड होती है या इंडिविजुअली डिसाइड होती है? इंडिविजुअली डिसाइड होती है, एवरी वन नोज दैट. ओके, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. आई वॉन्ट एवरी वन टू पे मैक्सिम अटेंशन. क्या लिखा है? हाउ एवर वाइल कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस, फॉर इंस्टेंस मॉडिफिकेशन एंड और एम्फोसिस ऑफ मैटर इन अकॉर्डेंस विद एस ए नंबर 705 और 706 ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर. यू अंडरस्टैंड हु इज द कंपोनेंट ऑडिटर? कंपोनेंट मतलब सिर्फ सब्सिडियरी का ऑडिटर या फिर सिर्फ जॉइंट जेवी का ऑडिटर, जेवी का ऑडिटर या फिर एसोसिएट का ऑडिटर, जेवी का ऑडिटर, सब्सिडियरी का ऑडिटर, दे आर नोन एज कंपोनेंट ऑडिटर्स. अगर आपको ये लिख के रखना है कहीं पे, कंपोनेंट ऑडिटर मीन्स ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी और जेवी और एसोसिएट. ओके, सो ध्यान से सुनो, एक बार फिर से पढ़ रहे. वाइल कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस, फॉर इंस्टेंस मॉडिफिकेशन एंड और एम्फोसिस ऑफ मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 705 और 706 ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी वुड नॉट बी कंसिडर्ड. दस, आगे का पूरा पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो समझाऊंगी. दस, द कंपोनेंट ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशंस इफ एनी ऑन द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, irrespective of whether the auditors of components are also auditors of consolidated financial statements or not, are required to be included in the parent's auditor's report on the consolidated financial statements regardless of materiality. मतलब क्या? खुद समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो, super important point. LMN, ठीक है, LMN तीनों है. एल कौन है?
होल्डिंग है, एम एंड एन कौन है, सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी है, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन के ऑडिटर को क्या बोला जाएगा, एन के ऑडिटर को क्या बोला जाएगा, एन्स ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर बोला जाएगा। अब क्या हुआ है देखो, कंपोनेंट ऑडिटर ने रिपोर्ट मॉडिफाई किया है एज पर एसए नंबर 705, क्वालिफाई किया, लेट अस से मान के चलो 10 लाख का मिसस्टेटमेंट मिला, 10 लाख्स, टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 1 crore, क्या 1 crore के कंपैरिजन में 10 लाख्स इज अ डेफिनेटली मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एब्सोल्युटली यस। अब ध्यान से, अब क्या एल प्लस एम प्लस एन एक कंसोलिडेटेड बनेगा, बराबर, क्या कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका टर्नओवर कितना है, इनका टर्नओवर है 20,000 करोड़, कुछ ज्यादा हो गया क्या, 2,000 करोड़, ओके बहुत हो गया है, 2,000 करोड़ कंसोलिडेटेड लेवल पे, ओके ना, आइडियली अंडरस्टैंड क्या वैसे ये 10 लाख का मॉडिफिकेशन 2,000 करोड़ के कंपैरिजन में काफी छोटा है, हाँ या नहीं, हाँ है, बट क्या बोला, आपकी एक एंटिटी मॉडिफाइड है ना, तो आप कंसोलिडेटेड लेवल पे ओपिनियन मॉडिफाई मत करना, अग्रीड, बट विल यू हैव टू गिव दिस टू द शेयर होल्डर्स, विल यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू द शेयर होल्डर्स दैट वन ऑफ द कंपोनेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड, क्या आपको ये शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, हाँ। ओल्ड पोजिशन ये नहीं था, इनफैक्ट हम पहले बोलते थे कि यार सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी चेक करो एक बार, बट यहाँ पे आप स्पेसिफिक ऐसे क्लैरिफिकेशन आया है विच सेज दैट आप, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या होल लेवल पे, क्या कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको क्वालिफाई करना है, नहीं, क्या आप तब मटेरियलिटी लेवल चेक कर सकते हो, हाँ तब करो, बट क्या आपको शेयर होल्डर्स को बताने की जरूरत है कि कंपोनेंट मॉडिफाइड है, कंपोनेंट क्वालिफाइड है, ये आपको शेयर होल्डर्स को बताना कंपल्सरी है अभी, सो देयर इज अ स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन गिवन रिगार्डिंग दिस पॉइंट, पक्का क्लियर हो गया क्या, हाँ ओके अब इसके बाद हम सीधा जाते हैं टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ छोड़ के क्या लिखा है देखो, वेयर अ कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रीजंस फॉर एक्सक्लूजन एंड वेदर सच एक्सक्लूजन इज इन कन्फर्मिटी विद द एप्लीकेबल FRF, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, अगर आपने AS 21 पढ़ा है तो AS 21 भी बोलता है कि दो कारण अगर दोनों में से एक कुछ भी हुआ तो आपने कंसोलिडेट नहीं किया तो चलेगा, एक हमने अभी जो पढ़ा वो 129 का था, गड़बड़ नहीं करना, हमने जो पढ़ा वो 129 का था, यहाँ पे हम एप्लीकेबल FRF AS के बारे में बात कर रहे हैं, AS 21 में भी बोला है कि आपने ये वाला सब्सिडियरी कंसोलिडेट नहीं किया तो चलेगा, कौन सा कंडीशन आता है वो, फैंटास्टिक, कौन सा पॉइंट है देखो, आई हैव गिवन देयर फर्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडियरी और एसोसिएट और जॉइंट कंट्रोल्ड एंटिटी इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, ओके, एक ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ही इनका टेम्पररी है, सो कहने से ये मेरा JV जो है, JV इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा होगा ना, JV कैन बी फॉर ड्यूरेशन और JV कैन बी फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑल्सो, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए था, एक साल का प्रोजेक्ट है यार मरने के लिए, अब क्या उस एक साल में भी मुझे कंसोलिडेट करने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी इन नेचर है, मुझे ये सब्सिडियरी कंसोलिडेट नहीं किया, ये JV कंसोलिडेट नहीं किया तो भी चलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, अच्छा आई हैव फॉरगॉटन टू राइट इट एज पॉइंट नंबर 2, और आया देखो इधर, और डिड यू फाइंड इट, उसको वापस सिर्फ पॉइंट नंबर 2 करो, और जहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2 करना है, यस, क्या है, द सब्सिडियरी एसोसिएट और JV ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस विथ सिग्निफिकेंटली इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट, कभी कभी गवर्नमेंट के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, स्पेशली एज फार एज फॉरेन करेंसी आर कंसर्न्ड, एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इसको बहुत बार, फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस, आप कमाओ उधर सब्सिडी में कमाओ, बट उधर से इधर अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आपको रिस्ट्रिक्शन है भाई, इसके ऊपर नहीं कर सकते आप, सो अगर आपको कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस है तो इज इट ओके इफ यू डोंट कंसोलिडेट दैट, एब्सोल्युटली यस, सो कैन आई से, उसका लॉजिक क्या हो सकता है देखो, वैसे भी ये फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रही है तो कैन आई से सब्सिडी इज एज गुड एज ऑपरेटिंग ऑन इट्स ओन,
ना ये इसको ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर पा रही है, ना वो इसको ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर पा रही है. कंट्रोलिंग स्टेक तो है, बट कैन आई से इट्स एज गुड एज ऑपरेटिंग ऑन इट्स ओन. खुद के पैसे से काम चला रही है मेजरली. सो इनको कंसोलिडेट नहीं किया तो भी चलेगा. ये कहाँ पे बोला है? AS 21 एंड कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. सो AS 21 में रूल्स का रेफरेंस दिया. यू नो दिस ना, एक्ट में जहाँ पे भी एज प्रिस्क्राइब्ड आता है, किधर प्रिस्क्राइब होता है? रूल्स. वही तो बात करें ना, AS 21 में भी एज प्रिस्क्राइब दे रखा, उधर रूल्स जाना है आपको. ओके यस. कौन से दो, लास्ट टाइम बोलो, कौन से दो कंडीशंस मीट हुए तो आपने कंसोलिडेट नहीं किया तो चलेगा? फर्स्ट वन, टेम्पररी है यार, एक साल के लिए तो जेवी है, कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, लॉन्ग टर्म सीवियर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप फंड्स ही ट्रांसफर नहीं कर पाते इधर से उधर, तो इट्स ओके इवन इफ यू डोंट कंसोलिडेट दिस, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आई फील यू शुड मार्क दिस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक 6 अटेम्प्ट पहले ये क्वेश्चन आ चुका है इन ऑडिट पेपर ओनली. एंड जनरली AS 21 इतने डेप्थ में नहीं जाते हम कि इन विच कंडीशन इट इज़ ओके इफ दे डोंट इवन कंसोलिडेट. सेम इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एंड इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया अभी. यू माइट गेट अ रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, सो हमने आज क्या पढ़ा? देखो, दो अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस पढ़े कब कंसोलिडेट नहीं किया तो चलेगा. कौन से दो रेफरेंसेस पे? एक सेक्शन नंबर 129 में एंड एक AS 21 कंपनीज अकाउंट रूल्स 2006 में. पक्का क्लियर? यस, वेरी गुड. ओके, यही हमने सेकेंड पॉइंट में बोला है. सिमिलरली अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इंटरमीडिएट सब्सिडरी इन इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या यही सेक्शन नंबर 129 वाला था? हाँ, राइट. चलो, स्पेशल कंसिडरेशंस, इसमें आपको क्या करना है? स्पेशल कंसिडरेशंस में ये मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाने वाली हूँ फॉर अ सिंपल रीजन. हैव यू ऑलरेडी डन दिस? व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड व्हाट डू मीन बाय करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स? कहाँ पे पढ़ा आपने? अकाउंट्स में आपने पढ़ा नहीं है. इनफैक्ट अगर आप ये करंट पीरियड एंड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स देखोगे, यू शुड बी एबल टू क्विकली विजुअलाइज योर अकाउंट्स प्रॉब्लम्स. इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट है, अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स है, इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस है, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है. क्या आपने ये पढ़ा है सब? राइट. यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही पार्ट बताना है. यहाँ पे कहीं पे तो ना, हाँ एग्जैक्टली, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये भी आपने करा होगा अकाउंट्स में, राइट. एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ठीक है, नॉन कंट्रोल इंटरेस्ट यही माइनॉरिटी होता है एक्चुअली. जो आपका इंड AS 110 है ना, उसमें ये वाला वर्ड यूज़ किया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्ड यूज़ किया है. ओके, सो अगर आपको ये भी क्लैरिफाई करना है, इट्स सेम एज व्हाट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. कहाँ पे ये वर्ड कहाँ पे यूज़ आया? IAS, इंड AS 110. ओके, इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया. आई एम नॉट श्योर वेदर आपने अकाउंट्स में किया है कि नहीं. अगर मान के चलो दो सब्सिडरीज इस साल बने मेरे, नए दो सब्सिडरीज बने, एक में गुडविल आया, एक में कैपिटल रिजर्व आया, तो क्या मुझे सेपरेटली लिखना पड़ेगा? सेट ऑफ कर सकते हो? आई एम अलाउड टू सेट ऑफ. आई एम श्योर यू नो दिस एज वेल. सो यही पॉइंट इस वाले पैराग्राफ में लिखा है दैट इन केस ऑफ वन सब्सिडरी, वही मैंने बोला ना अभी, देखो इन केस ऑफ वन सब्सिडरी क्या होता है? गुडविल अराइज होता है एंड अनदर सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व अराइज होता है, तो क्या कर सकती है? नेट ऑफ, दे आर अलाउड टू नेट ऑफ, राइट. कैन आई मूव ऑन? एंड द लास्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस वन इज रिपोर्टिंग. यू कैन मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. इसके ऊपर भी RTP में क्वेश्चन है. चलो, रिपोर्टिंग इज अबाउट व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड. रिपोर्टिंग, अगर आपने हेडिंग देखा, व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स. दो मिनट सिर्फ इधर ध्यान देना बिफोर आई गो ऑन टू द नोट्स.
लास्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग, ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बात चलिए. अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बताएं क्या क्या हो सकता है. पांच सर्कमस्टेंसेस बताएं फॉर रिपोर्टिंग. व्हाट इज द फर्स्ट सर्कमस्टेंस? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर इज सेम एज कंपोनेंट ऑडिटर्स. पॉसिबल और इम्पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल. यार दो ही सब्सिडियरीज है, मान के चलो दोनों की ऑडिटर मैं ही हूँ, होल्डिंग की भी ऑडिटर मैं ही हूँ. पॉसिबिलिटी नंबर वन. क्या इसमें एब्सोल्यूट कंफर्ट मिल सकता है ऑडिटर को? हाँ या नहीं? एब्सोल्यूट कंफर्ट. मैंने ही सब्सिडियरी का किया है, मैंने ही होल्डिंग का किया है, मुझे सिर्फ क्या देखना है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है क्या वो इंडेक्स के हिसाब से अगर वो एप्लीकेबल है तो, या फिर S21 के हिसाब से अगर वो एप्लीकेबल है तो बराबर कंसोलिडेट हो रहा है क्या. बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. वाई? दोनों का ऑडिट मैंने ही किया है. फर्स्ट सर्कमस्टेंस. सेकेंड सर्कमस्टेंस, व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स. कोई सब्सिडियरी है, या फिर सब्सिडियरी छोड़ो यार, ब्रांच की भी मैं ऑडिटर नहीं हूँ, हर एक ब्रांच का भी ऑडिट मैंने नहीं किया है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? डू आई हैव टू ऑडिट एवरीथिंग? नहीं. देर इज वन एसे ऑन दैट, यूजिंग द वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर. एसे नंबर 600, जिन्होंने बैच करी है, मैं इसको जैन सीरीज बोलती हूँ. जैन सीरीज. जे जॉइंट ऑडिटर, ए अनादर ऑडिटर, आई इंटरनल ऑडिटर, एन एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. एक्चुअली ये लाइन में आता है, देखो 600, 610 एंड 620 तीन ही स्टैंडर्ड्स है, एंड एक ही अलग स्टैंडर्ड इधर आता है 299. ओके, सो मैं हमेशा इसी सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ मेन बैच में भी. 299, 600, 610, 620, जैन जॉइंट ऑडिटर, अनदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. इज इस क्लियर? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा वी हैव नॉट डन द ऑडिट ऑफ दिस ब्रांच, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रांच. ये मुझे अलग से बताने की जरूरत है. हैव यू एवर सीन सच काइंड ऑफ रिपोर्टिंग? आई जस्ट क्विकली शो यू इफ यू वॉन्ट वन. देखो ICICI बैंक तो ऑफकोर्स सबको पता है, इसका एक आपको ऑडिट रिपोर्ट का, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ये अदर मैटर पैराग्राफ में इसका डिस्क्लोजर होता है SA 600 से रिलेटेड. सो अगर आपने यहाँ पे देखा तो कौन से दो एसेज का रेफरेंस है? देखो एसे नंबर, सम टेक्निकल थिंग, ओके, एसे नंबर 600 का रेफरेंस है. इट्स ओके, आई एम जस्ट सेइंग एसे नंबर 600 का रेफरेंस है एंड एसे नंबर 706 का रेफरेंस है. 600 टॉक्स अबाउट व्हाट? यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. 706 टॉक्स अबाउट एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. ओके, अदर मैटर पैराग्राफ ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है. इसका ऑडिट मैंने नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है. 706 मेनली इज अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार आप जॉट डाउन कर सकते हो. 706 अदर मैटर पैराग्राफ कब देते हैं? इफ यू वॉन्ट टू फोकस, इफ यू वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो इफ आई जस्ट क्विकली शो दिस टू यू, अदर मैटर पैराग्राफ देखो इधर क्या लिखा है. इज एवरी वन एबल टू रीड दिस? येस, क्या लिखा है? वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सिंगापुर, बहरेन, हांगकॉन्ग, दुबई, कतार, चाइना, साउथ अफ्रीका, न्यूयॉर्क, श्रीलंका ब्रांचेस ऑफ द बैंक. ICICI बैंक के कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस है? हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट टोटल एसेट्स ऑफ 16,69,359 मिलियंस ओनली, टोटल रेवेन्यूज ऑफ 74,005 मिलियंस एंड डाडा कैश फ्लो इतना है. इसका ऑडिट हमने नहीं किया है. These financial statements have been audited by other auditors duly qualified to act as auditors in the country of their incorporation, whose reports have been furnished to us by the management of the bank, and our opinion in so far as it relates to such branches, last line super important, is based, apna opinion kiske upar based hai, is based solely on the reports of other auditors. Unhone jaise report diya, humne thoda bahut checking kiya, बट मेन ओपिनियन किसके बेस के ऊपर है? उन्होंने जैसे दिया उसके ऊपर अपना मेन डिसीजन बेस्ड है. सो इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल दिस ऑडिट्स? अगेन सेम ओल्ड स्टोरी ना, मैं थोड़ी ना खुद के पैसे से पागल जैसे ऑडिट करते बैठू. हाँ, अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा, कतार, दुबई, अच्छी खासी रहने की अगर ये कहे तो ठीक है, सोच सकते हैं थोड़ा सा. बट कल एक ब्रांच पाकिस्तान में भी है तो कौन जाएगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट when you're talking about parent auditor is not the auditor of all its components, तो दो एसेज का reference आना चाहिए. कौन से दो एसेज? 600 and 706.
सिक्स EOM OM। सो चलो पहले दो सर्कमस्टेंसेस कौन से थे एक बार फटाफट रिकैप। पहला सर्कमस्टेंस ऑडिटर ऑफ होल्डिंग एंड ऑडिटर ऑफ ऑल इज कंपोनेंट्स इज सेम, टेंशन ही नहीं है। टेंशन कब है? होल्डिंग का ऑडिटर एंड ब्रांचेस का ऑडिटर या फिर सब्सिडियरीज का ऑडिटर कौन है? अलग अलग है, करेक्ट। कौन सा एग्जाम्पल दिया? अभी अभी ICICI बैंक का दिया। उस केस में क्या मैंने ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना है या फिर मैंने अदर मैटर पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन करना है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड देयर रिपोर्ट्स, राइट। थर्ड पॉइंट क्या देखो, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ द पेरेंट। ये कैसे हो सकता है कि सब्सिडियरी का फ्रेमवर्क अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है एंड होल्डिंग का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है? ऐसे कैसे हो सकता है? फॉरेन सब्सिडियरी, एब्सोल्युटली। जैसे अगर मेरी कोई सब्सिडियरी है जो यूरोपियन कंपनी है तो वो IFRS के हिसाब से करती है, करेक्ट। एंड होल्डिंग कंपनी किधर की है? इंडिया की। हम कैसे करते? इन डेज के हिसाब से करें या नॉर्मल? मेरी सब्सिडियरी पाकिस्तान में तो वो क्या फॉलो करती है? IS। यू नो व्हाट पाकिस्तान फॉलोस? IFRS। एब्सोल्युटली पाकिस्तान फॉलोस IFRS। हैरानी हो रही है ना सुन के, ओहिल्ला ऐसे कैसे? हम तो अभी अभी कर रहे हैं। पाकिस्तान फॉलोज IFRS सिंस आई गेस इंडिपेंडेंस। सिंपल है, हम जब इंडिपेंडेंट हुए ना तो तब भी यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता था? IFRS चलता था, तब भी अकाउंटिंग होता था कि नहीं? 1949 के में भी सब ऐसे कहो तब से, तब तो अकाउंटिंग होता था ना। तो उनके IFRS थे, तो अपने पास दो ऑप्शन थे कि ऐसे का ऐसे ले लो उनसे कॉपी पेस्ट, या फिर हम खुद के अपने स्टैंडर्ड्स बनाए। तो इंडियन लोगों ने क्या बोला है, ब्रिटिश का नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, हम इंडियन सिनारियों में जो फिट होगा हम वो करेंगे। पाकिस्तान को एक सिंपल काम करना था, ट्रांसलेट टू उर्दू फिनिश। सो उन्होंने बस उतना ही किया, काम चालू। सो ग्लोबली पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव अ हायर हैंड ओवर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज फार एज IFRS इज कंसर्न। जैसे अपना ICAI है, वैसे पाकिस्तान में ICAP है। इफ यू एवर नो दिस, जोक नहीं यार, सही में बोल रही हूँ, हंस रहा है। यू कैन जस्ट सर्च दिस ऑन गूगल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, एब्सोल्युटली दे हैव वन। सो क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यों ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बता रही? व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट देन ऑफ द पेरेंट। सब्सिडियरी पाकिस्तान की है, क्या फॉलो कर रहा है फ्रेमवर्क? IFRS। पेरेंट का फ्रेमवर्क क्या है? इंड एस या फिर अपना नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या करना पड़ेगा? तो जनरली ऐसे होता है कि इसको काफ़ी बार, अगर आप किसी ने, इफ़ समवन हैज़ डन MNC ऑडिट्स, तो एक ग्रुप पैक रिपोर्टिंग करके आता है। आई टेल यू व्हाट इज दिस ग्रुप पैक रिपोर्टिंग। तो मैं होल्डिंग कंपनी हूँ अगर, तो मैं मेरे हर एक सब्सिडियरी को एक सॉफ्टवेयर टाइप देती हूँ। ऐसे आप विजुअलाइज करो, एक नॉर्मल एक्सेल शीट होता है एक्चुअली, विच इज़ एम्बेडेड विद अ बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर। सब्सिडियरी को क्या करना है, ध्यान से सुना, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको कन्वर्ट करने हैं। किसके हिसाब से? ग्रुप रिपोर्टिंग पैकेज के हिसाब से, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आपको याद है 800 सीरीज आती है जो, उसमें एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क करके एक आता है, ऐसे नंबर 800 आता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, सो उसमें आपको होल्डिंग का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आप सिर्फ क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, अब ऑडिट किसका होता है? आई वॉन्ट अ करेक्ट आंसर। ऑडिट किसका होता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू का ऑडिट होता है, या कन्वर्जन बराबर हुआ है कि नहीं इसका ऑडिट होता है। कन्वर्जन बराबर हुआ कि नहीं इसका ऑडिट होता है। आर यू गेटिंग मी? यस। लास्ट एग्जाम्पल क्विकली, मेरी एक सब्सिडियरी न्यूयॉर्क में है, उधर क्या फॉलो होता है? US गैप। उधर क्या फॉलो होता है? US गैप। तो उस सब्सिडियरी का US गैप के हिसाब से बना फाइनेंशियल्स। अब मैं क्या बोलती हूँ यार, मेरे को नहीं जपता US गैप, अपने को जो कंसोलिडेट करना है वो US गैप के हिसाब से या होल्डिंग कंपनी के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से? होल्डिंग कंपनी, तो अपना कौन सा, इंड एस या फिर नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या बोला उनको? कन्वर्ट करो फ्रॉम योर फ्रेमवर्क टू अवर फ्रेमवर्क। ऑडिट किसका होगा? ओरिजिनल ऑडिट हो चुका है अंडर US गैप, अब किसका वापस से ऑडिट होगा? सिर्फ कन्वर्जन बराबर हुआ कि नहीं इसका ऑडिट होगा। आर यू गेटिंग मी? सो हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट देन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट। तो आपको क्या करना, ये कब हो सकता है? देखो दैट्स वॉट वी टॉक्ट अबाउट, दैट दे हैव कंपोनेंट्स लोकेटेड इन
मल्टीपल जोग्राफीज आउटसाइड इंडिया अप्लाइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दैट इज गैप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट, तभी ये हो सकता है. क्या हमने सेम एग्जाम्पल लिया? अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एग्जाम्पल लिखना है, क्या हो सकता है? इंडियन होल्डिंग कंपनी है, इंडियन होल्डिंग कंपनी है, तो इनको क्या फॉलो करना पड़ता है? जागो ग्राहक जागो. इंडियन होल्डिंग कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंडेस, जो कुछ भी एप्लीकेबल है उनको. बिकॉज आई एम श्योर एवरी वन नोज कि इंडेस अभी तक हर एक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं करा है. टर्नओवर नेटवर्थ वाइज अलग अलग लिमिट्स है उसके लिए. सो जो कोई भी एप्लीकेबल है. दूसरा, सब्सिडियरी कंपनी किधर है? न्यूयॉर्क बेस्ड है, उनको क्या फॉलो करना पड़ता है? यूएस गैप. उनको यूएस गैप फॉलो करना पड़ता है. यूएस का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूएस गैप. तो अपने को क्या करना है, किसका मेन ऑडिट करना है? कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड. किस कौन ऑडिट करता है? बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर. प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब कंसोलिडेटेड वाला ऑडिटर, मेन ऑडिटर. सो इतना ही मार्क करना है आपको. कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर. हैव यू अंडरस्टूड? डोंट लुक इन टू द नोट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था बोलो? दोनों का भी ऑडिटर सेम है, अच्छी बात. सेकेंड, होल्डिंग ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर अलग अलग है. कौन से दो एसेस का रेफरेंस बोला? 600 एंड 706. कौन से कंपनी का एग्जाम्पल दिया? ICICI बैंक लिमिटेड का एग्जाम्पल दिया. इनका ऑडिट हमने नहीं किया है, हमारे रिपोर्ट इनके रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है. तीसरा, अरे हम दोनों का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ही अलग है. क्यों? मल्टीपल कंट्रीज में जो बेस्ड है वो उनका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं, हम हमारा करते हैं. तो पेरेंट ऑडिटर का मेन फोकस पॉइंट क्या है? कन्वर्जन बराबर हुआ कि नहीं, ये चेक करो बस. क्लियर डिलियर? अब तीसरे एंड चौथे पॉइंट में क्या फर्क है? हु कैन टेल मी? रीड द हेडिंग एंड टेल मी द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का डिफरेंस. चलो बोलो फटाफट, दोनों में क्या फर्क है? फोर्थ थर्ड पॉइंट में क्या अलग था? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग था. फोर्थ पॉइंट में क्या अलग है? ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है. दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस. यहाँ पे क्या अलग है? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, नीचे ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है. आया क्या ध्यान में? अब इंडिया में जो ऑडिट होता है दैट इज डन एज पर वॉट? थैंक यू. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर ना? मुझे लगा था ये भी आंसर मिल रहा है कि नहीं इस रेट से. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपना इंडिया के कंपनीज का ऑडिट होता है. क्या इंडिया के बाहर कोई अलग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं? हाँ, दे आर नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओके, ईसीएस ने बोला ईसा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अब क्या ऐसे हो सकता है जर्मन बेस्ड सब्सिडरी है या यूरोप बेस्ड सब्सिडरी या न्यूयॉर्क बेस्ड सब्सिडरी, वट एवर, उनका ऑडिट कैसे हुआ? उनके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ, बराबर? या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ. होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर ने क्या करना है? उनके स्टैंडर्ड्स में एंड अपने स्टैंडर्ड में भयंकर जमीन आसमान का तो डिफरेंस नहीं है ना, इतना ही देखो. मेनली जमीन आसमान का डिफरेंस है तो यू माइट हैव टू टेल दिस टू द शेयर होल्डर्स वाइल ड्राफ्टिंग योर ओपिनियन. बट अब क्या हो रहा है पता है आपको? जितने भी स्टैंडर्ड्स में आपको चेंजेस मिल रहे हैं, जितने भी नए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आ रहे हैं, वो किसके हिसाब से? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से. सो जो हम बोलते हैं ना, कंपेरेबिलिटी आनी चाहिए, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट इवन एट अ ग्लोबल लेवल. सो नाउ न्यू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर मॉडिफिकेशंस टू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर एज पर ISA's, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. चौथा पॉइंट क्लियर है? क्या देखना है मेजरली? उनके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में एंड अपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, शेयर होल्डर्स को बताओ. नहीं है, लीव इट, नो प्रॉब्लम. क्लियर? लास्ट पॉइंट. ओहो, क्या लिखा है? कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड ओनली. कौन सा एग्जांपल लिया था ब्रेक के पहले? मैंने लिया था एग्जांपल दुबई. उधर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है तो इनको ऑडिट ही नहीं हुआ है. ओके, मैंने बोला मुझे ऑडिट करना पड़ेगा,
जाना पड़ेगा, थोड़ा बुर्ज खलीफा वगैरह इधर उधर का ऑडिट करना पड़ेगा मुझे। ओके मैनेजमेंट बोला नहीं जा सकते, अब ऑडिट नहीं कर सकते। व्हाट कैन आई डू? एम आई इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? नॉट इन अ पोजिशन। जिन्होंने 705 पढ़ा है, डिस्क्लेमर आप कब देते हो? अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ये मटेरियल था एंड परवेसिव था, ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आप कौन सा देते हैं डिस्क्लेमर? मान के चलो 5 सब्सिडरीज है, 5 ऑडिटेड है, ओहो ये तो डेंजरस बात है, इसमें आप डिस्क्लेमर दे सकते हो। बट 5 मान के जो 10 सब्सिडरीज है या 5 सब्सिडरीज है, उसमें एक ही का ऑडिट नहीं हुआ है एंड विच इज ऑल्सो कंपेरेटिवली स्मॉलर एंटिटी, तो मैं क्वालिफाई करूंगी वापस बिकॉज इट्स मटेरियल बट नॉट परवेसिव, डिपेंडिंग। अच्छा इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेटिंग है क्या? 1% से नीचे हुआ तो इतना, एक तो ऐसे कुछ नहीं है, दैट इज ऑडिटर्स जजमेंट। आया क्या ध्यान में? यस। सो परवेसिव है तो डिस्क्लेमर, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। इज दिस क्लियर? चलो सो कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का सहारा लेना पड़ेगा, लास्ट लाइन में आता है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था मॉडिफाई 705 बराबर। चलो लास्ट टाइम, डोंट लुक इन टू द नोट्स, 5 पॉइंट्स रिपोर्टिंग। उनका ऑडिटर, कंपोनेंट्स का ऑडिटर एंड होल्डिंग का ऑडिटर सेम है, अच्छी बात, नो टेंशन। सेकंड, उनका ऑडिटर एंड होल्डिंग का ऑडिटर अलग अलग है, क्या करना पड़ेगा? 600 एंड 706। तीसरा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से अलग अलग है, किसको ऑडिट करना पड़ेगा? कन्वर्जन का ऑडिट करना पड़ेगा। चौथा, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क ही अलग है, दोनों में कितना फर्क है? ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके बहुत फर्क है, कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर्स। एंड पांचवा, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड ओनली दुबई, तो क्या करेंगे आप मॉडिफाई करेंगे। इधर आपको खुद को अलाउ किया ऑडिट करने के लिए, अच्छी बात है, बट अलाउ ही नहीं किया तो आई एम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आई विल हैव टू मॉडिफाई माई ओपिनियन। पक्का क्लियर है क्या? 101%, नो डाउट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, मैंने आपको पहले शायद मार्क करने के लिए भी बोला ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट अबाउट रिपोर्टिंग ऑन कंसोलिडेटेड। उसके जस्ट नीचे एक लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग वन, कैन आई मूव ऑन? बहुत दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 140 डिस्कशन किया है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे एक बार पूरा क्या लिखा है। द ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटो, ओके सुओ मोटो का मीनिंग समझते हैं, ऑन इट्स ओन। लास्ट बैच में किसी ने बोला था मैम स्पेलिंग मिस्टेक है, सुओ मोटो लिखा है अपने, स्पेलिंग मोटो ही आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन सुओ मोटो होता है। ओके द ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटो और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी पर्सन कंसर्न्ड। ओके किस किस को लगा कुछ डेंजर हो रहा है? ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल को खुद को लगा या फिर सीजी ने एप्लीकेशन दिया या फिर एनी अदर पर्सन कनेक्टेड ने दिया? इफ इट इज सेटिस्फाइड, कौन सेटिस्फाइड है? ट्रिब्यूनल। इफ इट इज सेटिस्फाइड, अगर आपको क्लैरिफाई करना है कौन इट इज सेटिस्फाइड, ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई हो गया ट्रिब्यूनल? दैट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर और अबेटेड और कोल्यूटेड इन एनी फ्रॉड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अबेटेड और कोल्यूटेड? पार्टिसिपेटेड, अगर आपको लिखना है अबेटेड और कोल्यूटेड मतलब ही पार्टिसिपेटेड। ठीक है, वेदर ऑडिटर हैज अबेटेड और कोल्यूटेड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स। एक बार फिर से वापस, किसको लगा? लगा मतलब लगा नहीं, किसको किसको महसूस हो गया? ट्रिब्यूनल को, सुओ मोटो, ट्रिब्यूनल को सुओ मोटो लगा, यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, या फिर किसने एप्लीकेशन दिया?
सीजी ने एप्लीकेशन दिया या फिर एनी अदर पर्सन हु इज कनेक्टेड देयर विद, इन्होंने एप्लीकेशन दिया. किसको एप्लीकेशन दिया? ट्रिब्यूनल को. एंड इट इज सैटिस्फाइड कि ऑडिटर ने वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया. किसके ऊपर फ्रॉड या फिर किससे रिलेटेड फ्रॉड हुआ वो नीचे आया देखो, इन रिलेशन टू कंपनी इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, इनसे रिलेटेड फ्रॉड हुआ तो क्या बोलेगा ट्रिब्यूनल? चेंज करो ऑडिटर्स को. ओके, इन दैट केस द कंपनी विल चेंज इट्स ऑडिटर्स. किसके कहने पर चेंज करेगा? ट्रिब्यूनल. समझ में आया क्या? इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स. सो इफेक्टिवली चेंज कौन करेगा? कंपनी करेगा, बट ऑन द डायरेक्टिव गिवन बाय ट्रिब्यूनल. क्लियर? आगे क्या लिखा? हाउएवर इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या देखो, ऊपर वाले पॉइंट में इस पॉइंट में फर्क क्या है? ऊपर वाले पॉइंट में एप्लीकेशन डाला था कि हमको लग रहा है कि ऑडिटर ने फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया है. एप्लीकेशन किसके बारे में था? ऑडिटर ने फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया है, तो उन्होंने नोटिस दिया कि आप चेंज करो ऑडिटर को. इधर तक पहली कहानी खत्म हो गई. आगे हाउएवर के बाद क्या हो रहा है? एप्लीकेशन इज मेड बाय द सीजी एंड द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे एप्लीकेशन किसके बारे में? ऑडिटर ने फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया इसके बारे में, या हमको ऑडिटर चेंज करना है इसके बारे में? ऑडिटर चेंज करना है इसके बारे में. इज देयर अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस. इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट एनी चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, इट शैल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर एंड सी जी में अपॉइंट एनी अदर ऑडिटर इन हिज प्लेस. सो किसको बोला गया है? सी जी को बोला गया है. प्रीवियस केस में रिमूव कौन कर रहा था? कंपनी ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. आए क्या ध्यान में? यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर निकालेगा, रिमूव करेगा, बट रीअपॉइंट कौन करेगा? सी जी करेगा. इज इट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. It may be noted that an auditor, whether individual or firm, against whom final order has been passed by the tribunal under this section, mark karo, shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing of the order, and the auditor shall also be liable for action under section 447 of the said act. Kitne saal ke liye audit nahi kar sakta hai? 5 साल. किसका ऑडिट नहीं कर सकता है? 5 ईयर्स ऑफ एनी कंपनी, नॉट ओनली दैट कंपनी, किसी भी कंपनी का ऑडिट ये नहीं कर पाएगा. इज दैट लास्ट पॉइंट ऑल्सो अंडरस्टूड? फॉर श्योर. इतना ही मेन पार्ट है. लेट्स मूव ऑन विद द वेरी लास्ट पॉइंट. जस्ट एक बार चेक करो और कुछ पेंडिंग है क्या. मेरे हिसाब से सिर्फ स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट का एक छोटा पार्ट पेंडिंग है. I guess that is the only part which is pending. Yes. Okay. Simple sa isme amendment as such mujhe nahi nazar aayi. It's just more of a clarification. Mutual fund ki audit report ke bare mein. Okay. Do teen important point emphasize kiye. Let's read it. Kya likha hai? Every mutual fund shall have the annual statement of accounts audited by an auditor, mark karo, who is in no way associated with the auditor of the asset management company. Auditor of mutual fund and auditor of AMC, asset management company, dono mein kuch bhi relation nahi hona chahiye, dono same nahi hone chahiye. Can I say again, kahin na kahin independence of auditor ensure karne ke liye kiya gaya hoga? Absolutely yes. Everyone knows mutual fund and AMC alag alag hote hai, right? Mutual funds paise jama karta hai. एंड पैसे जमा होने के बाद ये पैसे किधर इन्वेस्ट करना, कहाँ पे, मतलब किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना, ये सब कौन डिसाइड करता है? एएमसी डिसाइड करता है. सो ये इफेक्टिवली दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. म्यूचुअल फंड अलग होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग होती है. ऑफकोर्स ये लेक्चर्स में हम काफ़ी डेप्थ में करते हैं, हु इज़ द स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये सब किया है हमने लेक्चर्स में, राइट?
सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लो कि दो अलग अलग एंटिटीज है, बट दोनों का भी ऑडिटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट क्या बोला, एन ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज. म्यूचुअल फंड का ऑडिटर जो होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, ट्रस्टीज. अब लॉजिकली बोला यार पढ़ो भी मत, म्यूचुअल फंड का जो ऑडिटर होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, ट्रस्टीज को या यूनिट होल्डर्स को? ट्रस्टीज को. क्यों? अरे भाई अपॉइंट अगर ट्रस्टीज कर रहे हैं तो रिपोर्ट भी तो ट्रस्टीज को ही करना पड़ेगा. दैट इज द लास्ट पॉइंट विच सेज दैट द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू द ट्रस्टीज एंड सच रिपोर्ट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड. ये दो तीन क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स थे. एंड लास्ट पॉइंट एकदम नॉर्मल सा है विच सेज दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट ने ये मेंशन करना चाहिए दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वॉज नेसेसरी हैज बीन ऑब्टेंड, देन ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. लास्ट वन जो बोलता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ 9th शेड्यूल. म्यूचुअल फंड रेगुलेशन होते हैं ये पूरा, कुछ इसमें अमेंडमेंट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ आई जस्ट थॉट ऑफ एम्फसाइजिंग हियर ऑल्सो. सो वी हैव स्टार्टेड रफली एट 7, इट्स 1 o'clock राइट नाउ. बीच में भले ही आधा घंटा ब्रेक पकड़ लिया तो भी इट्स ऑलमोस्ट 5 and a half hours, रफली 5 and a half hours ऑफ ओनली अमेंडमेंट्स. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द अमेंडमेंट्स परफेक्टली. यस. अब मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि ऑडिट में दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्सेप्ट समझना, उसको दिमाग में रखना, यहाँ तक भी बच्चे कर पाते हैं. लास्ट पॉइंट इज लिखना. आज ही मैं सुबह सुबह जब घर से इधर आ रही थी तो माय फेवरेट रेडियो स्टेशन दिस डेज इज मिर्ची लव, इट प्लेज वेरी नाइस साइलेंट एंड रोमांटिक सॉन्ग्स. तो आज वो जगजीत सिंह की गज़ल है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी की, तो उसकी जब मैं दो लाइनें सुन रही थी तो ऐसे डर, ये तो अपने ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है. हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी. हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है. बराबर. सो यही हाल होता है अपना ऑडिट में. सो आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज आस्क्ड. बिकॉज बच्चों का ये एक इंटेंशन होता है ऐसे है ना, मुझे इतना ही पता है तुम पूछो कुछ भी, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट. मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही लिखूंगी. एंड दैट इज वेयर द मार्किंग सिनारियो स्टेप्स इन, एंड दैट इज वेयर योर मार्क्स स्टार्ट ड्रॉपिंग. अभी ब्रेक में डिस्कशन हो रहा था दो तीन फ्रेंड्स के साथ, आई जस्ट टोल्ड देम दैट इवन लास्ट अटेम्प्ट में जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2 and 3 तीनों भी ऑडिट में 50s में अटके हुए हैं, नन ऑफ देम हैज एन एग्जेम्पशन इन ऑडिट. इट डज नॉट मीन कि वो होशियार नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि थोड़ा बहुत ये सब्जेक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. हाँ यार अपने को तो आता, बट आज के अमेंडमेंट्स देख आपको समझ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन आर्टिकलशिप? आई रियली डाउट किसी ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा आर्टिकलशिप में क्या होगा, तो बहुत थोड़ा थोड़ा क्या होगा. आर्टिकलशिप मजाक में ही चली जाती है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड इसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स एंड SFM दो ऐसे बॉम्ब अपने ऊपर गिरने के बाद उसमें जब अपने को संवरना होता है, जिन्होंने भी कभी अटेम्प्ट दिया इसके पहले, आई होप एवरी वन विल अग्री विथ मी दोज हू हैव गिवन एन अटेम्प्ट, आइदर अकाउंट्स और SFM दो में से एक तो कंपल्सरी बॉम्ब होता है. एक आध लक्की अटेम्प्ट लोग रहेंगे कि दोनों भी सिंपल रहे. जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में SFM वॉज हॉरिबल, मतलब मुझे दो चार स्टूडेंट्स ने बोला कि पेपर खत्म होने के बाद भी हम ऐसे ही बैठे थे. फिर देखा सभी ऐसे बैठे, फिर बोले हाँ हाँ फिर ठीक है, फिर सभी एक ही नैया में. दिस इज द टाइम व्हेन योर ऑडिटिंग पेपर कम्स अप, एंड तब लोगों को लगता है यार ये थोड़ा और अच्छे से करते थे तो शायद दिस वुड हैव बीन अ पॉइंट ऑफ रिटर्न, बट that time is too late. You can't expect amazing marks just one day before the exam. So it's very important. आप लोग कितने लोग सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हो अकाउंट्स SFM की, भले ही
पेपर पे पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया, बट कैलसी से तो करते हो ना यार, सब करते होंगे, एब्सोल्युटली करते हैं, यू जस्ट डोंट गो ऑन रीडिंग इट ना. बट अगर मैंने बोला ऑडिट के कितने लोग घर पे आंसर्स लिख के देखते हैं, तो आप लोग मैम कुछ भी बोलते हैं, हाई पॉइंट बिलो डिग्निटी लगता है बेसिकली. ऑडिट के आंसर लिखना, मैं कभी नहीं, वो वाला सिनारी होता है. सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. मैंने आपको बोला ऐसे, शायद आप पूरा सम नहीं सॉल्व करते बट कैलसी पे करते हो ना, वैसे ही शायद आप पूरा आंसर नहीं लिखो, कांट यू जस्ट राइट डाउन द हेड पॉइंट्स यार, हेड पॉइंट्स तो लिखो. जैसे हम अभी अभी बोल रहे थे रिपोर्टिंग के 5 सिनारियोस, तो 5 हेडर्स तो लिखो, नुकसान होगा आपका नहीं होगा ना, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से आंसर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को समझ में आना चाहिए, हाँ इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पॉइंट आते हैं. क्या आप ऑडिट अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? 101% यस, यू आर अलाउड टू राइट योर पेपर इन योर ओन लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू सर्टन टेक्निकल टर्म्स. कल अगर आपने मटेरियल एंड परवेजिव यही नहीं लिखा, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिखा, अगर आपने मटीरियलिटी जैसे वर्ड्स यूज नहीं किया, तो ये तो प्लेन इंग्लिश हो गया, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स. बट अगर आप डिक्शनरी, मैं इसको डिक्शनरी वर्ड्स बोलती हूँ, डिक्शनरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऑडिट की अपनी एक डिक्शनरी है, अलग डिक्शनरी है. सो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये वर्ड्स आपके पेपर में आने ही आने हैं, अगर आप ये इंश्योर करते हो तो आइडियली यू शुड बी गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस पेपर. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, हम आरटीपी में से जितना टाइम परमिट करता है रैंडम क्वेश्चंस उठाएंगे. मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने को बोलने वाली हूँ, एंड क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या याद आता है या फिर क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन हाउ विल यू प्लान द एंगेजमेंट, एंड आप प्लानिंग छोड़ के सब कुछ लिख के आते हो, बिकॉज प्लानिंग तो किया पढ़ा ही नहीं है ना. बट क्या आप लॉजिकली भी प्लानिंग के बारे में लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना प्लानिंग के बारे में, हाउ विल यू प्लान द ऑडिट असाइनमेंट, लिख सकते हैं. सो राइट नाउ फॉर द फर्स्ट टू क्वेश्चन माई फोकस, भले ही आपका आंसर गलत हो, आपको एक्चुअली क्या पूछा है ये आपको पकड़ना है. आया क्या ध्यान में? यस, बिलो डिग्निटी वाला फीलिंग आ रहा है क्या? या हैव यू ओवरकम दैट? हाँ, पूरा आंसर लिखने को बोलने वाली है, सिर्फ हेड पॉइंट्स? हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सिर्फ हेड पॉइंट्स है तो ठीक बात है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल जस्ट क्विकली कम टू आरटीपी. दोज हू हैव आरटीपी विथ यू कैन टेक इट आउट, दोज हू डोंट हैव आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द स्क्रीन. सो आई होप आपको एक पहला अमेंडमेंट के ऊपर अभी कंफर्ट आ गया है, 90 पेजेस जो इतने लंबे चौड़े थे, आपको जिस्ट में समझ में आ गया व्हाट आर द अमेंडमेंट्स अबाउट. यस, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल टेक सम रैंडम क्वेश्चंस, विल ट्राई एंड कवर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, हर एक क्वेश्चन अभी लेते नहीं बैठ सकते, बट एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर एक चैप्टर से करेंगे. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड क्वेश्चन नंबर 1A. पढ़ लिया एवरीवन, टाइम पास के मोड में मत चले जाओ. एवरीवन फेल्ट लाइक खत्म हो गया क्लास, अभी थोड़ी देर बस 5-10 मिनट टाइम पास करेंगे एंड जाएंगे. द लास्ट वन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड. इफ यू हैव रेड क्वेश्चन नंबर 1A, किसके बारे में बात करता है, व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन दिस, हु कैन टेल मी? ऐसे 210 के बारे में थोड़ा सा है. ओके, हाँ, SAE 3420 तो क्लियर कट लिखा हुआ है, बराबर. कौन सा था 3420 वाला? आज ही एकदम स्टार्ट में सुबह सुबह SAE 3420 जो किया, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. बट उसके ऊपर क्या पूछा है लेकिन एग्जैक्टली अगर मैंने बोला, सो एज अ स्टूडेंट आई नो दिस इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम, बट आई यूज टू डू इट. मैं पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली क्या पूछा है वो मैं एक हल्का अंडरलाइन करते थे, सो दैट मैं फोकस भटक ना जाऊँ. बहुत बार क्या होता है 3420, एक बार 3420 जो मुझे जितना भी आता है 3420 मैं सब लिख दूंगी, वो वाला केस नहीं चाहिए अपने को. क्या पूछा है
एक हल्का पेंसिल ले लो एंड जस्ट मार्क, ओके दिस इज आस्क्ड, दिस इज द मेन क्वेश्चन. इफ यू वर टू अंडरलाइन 1, 2, 3, 4 वर्ड्स आउट ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन, व्हाट वुड यू अंडरलाइन? व्हाट इज आस्क्ड? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, दैट इज द की. अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. आ रहा है क्या ध्यान में? क्या पूछे? फैक्टर्स टू बी कंसिडर. काय के फैक्टर्स पूछे? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाई यू एज अ प्रैक्टिशनर बिफोर अग्रींग टू एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट. क्या मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूँ या नहीं, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करूँ? पढ़ा क्या हमने आज? अपनी लाइक ये क्या, आवर कॉम्पिटेंस, आवर कैपेबिलिटी. दूसरा, उनके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो रिलायबल है ना, मिसलीडिंग तो नहीं है ना. तीसरा, वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन, फैंटास्टिक. वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन जो है, अगर आपको याद है कौन सा अश्योरेंस इसमें आने वाला है, रीजनेबल अश्योरेंस. ओके, जिसमें मैं बोलने वाली हूँ, किसके ऊपर कमेंट करने वाली हूँ, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कमेंट करने वाली हूँ या कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा इन्फॉर्मेशन बराबर हुआ कि नहीं. कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा इन्फॉर्मेशन, वर्डिंग मुझे जमता है क्या? देखो, तीसरा, चौथा, क्या उनका ओपिनियन किसी का मॉडिफाइड वगैरह था क्या, किसी के इसमें एम्फोसिस ऑफ मैटर दिया था क्या, अदर मैटर था क्या किसी में से, याद आ रहा है क्या? येस, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स यू आर एबल टू रिकॉल. गुड. क्या पूछा है ये समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स पूछे, काई के फैक्टर्स पूछे टू डिसाइड वेदर आई शुड एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट और नॉट. पक्का क्लियर? येस, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? चलो, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जाएंगे, बिकॉज ये आज हमने एक भी ऐसे वैसे, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विथ एसेज, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू टेक क्वेश्चन नंबर 2. आधे लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे कि मैं डिस्क्लोज करूं कि नहीं, आधे लोग बोल रहे हाँ, किसी ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया. अगर ये किया ही नहीं है तो शायद आपको समझ में नहीं आया. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड कुछ लॉजिकली समझ पाते हैं क्या. क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग पढ़ना है एंड 2A पढ़ना है आपको स्पेसिफिकली. Have you read it? Yes. किसके, I mean, कौन सा ऐसे है जिसके ऊपर ये फोकस्ड है? ऐसे नंबर 402, using the work of, using the services of service organization basically. Audit of entities using services of service organization. लंबा चौड़ा टाइटल अगेन. क्या पूछा है? आउटसोर्स किया, हाँ आउटसोर्स किया. क्या पूछा है? की वर्ड अगर मार्क करने को बोलूँ तो, फैंटास्टिक, तुम्हें वो होल्ड लग गया. क्या है? असेसमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आउटसोर्स्ड एजेंसी और आउटसोर्सिंग एजेंसी. उनकी सर्विसेज में असेस कैसे करूं? ओके, अब कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स हो सकती है? अलग अलग सर्विसेज आउटसोर्स हो सकती है, जैसे अकाउंटिंग सर्विस आउटसोर्स हो सकती है, पेरोल प्रोसेस आउटसोर्स हो सकती है. ओके, मान के चलो पेरोल प्रोसेस आउटसोर्स हुआ है. बट सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से, गाइड द ऑडिट मैनेजर इन द असेसमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसी. सबसे पहला सवाल, क्या आउटसोर्स किया, क्या पता? क्वेश्चन में दिया है क्या आउटसोर्स किया है? हैज आउटसोर्स्ड, ऊपर बोलो, हैज आउटसोर्स सर्टेन एक्टिविटीज. तो क्या ऑडिट मैनेजर को सपना आया, हाँ पेरोल आउटसोर्स किया है, या उसको खुद को चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा. सो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, फ्लो में सोचो थोड़ा सा. मुझे असेस करना है सर्विसेज बाय आउटसोर्स्ड एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली. जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करिए, मुझे कैसे पता चलेगा? हु कैन टेल मी लॉजिकली, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कौन सी सर्विस आउटसोर्स की है? कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट, ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 1, सिंपल ना. क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या रिटन डॉक्यूमेंट होगा दोनों के बीच में? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली यस.
सबसे पहले असेसमेंट ऑफ सर्विस में पहले रीड द कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज टू असर्टेन द नेचर ऑफ द सर्विस विच हैज बीन आउटसोर्स्ड. आ रहा है कि ध्यान में? पहला क्या आउटसोर्स किया ये समझ में आया. सेकेंड असेस करना इस सर्विस को. और क्या असेस करूँ इस सर्विस को? नेचर क्या है में आ गया, पेरोल है नेचर. ओके दूसरा इस सर्विस का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हाउ मटीरियल इट इज. एकदम चिल्लू है अगर कोई बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन है तो क्या इतने डेप्थ में जाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. अगर बहुत मटीरियल ट्रांजैक्शन है, मान के चलो पूरा अकाउंट से आउटसोर्सिंग किया है, होता है क्या ये? एब्सोल्युटली यस, पूरा अकाउंट आउटसोर्सिंग भी हो सकता है. कैन आई से इन दैट केस द ट्रांजैक्शन इज एब्सोल्युटली मटीरियल? हाँ. तो असेसमेंट करना है सबसे पहले कौन सी सर्विस कितना इम्पैक्ट बिठाती है ये किसके ऊपर, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर. और असेस करना है ये जो आउटसोर्स जिस एंटिटी को किया है क्या इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं क्या. अगर इंटरनल कंट्रोल्स इनके ही बेकार है तो कहना इसे जो डेटा वो प्रोसेस करके दे रहे हैं वो डेटा अनरिलायबल हो सकता है. सर्विस असेस करनी है. सो क्या इनके इंटरनल कंट्रोल्स भी अच्छे हैं क्या? प्लीज डोंट आस्क मी हाउ डू आई असेस देयर इंटरनल कंट्रोल्स, दैट इज एंटायर SA-402. जिन्होंने पढ़ा है टाइप वन रिपोर्ट टाइप टू रिपोर्ट उसमें चले जाएंगे आप. ओके सो असेस करो कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं क्या, सो दैट जो सर्विस आउटसोर्स करी जा रही है वो सर्विस से आउटपुट अपने को जो मिल रहा है वो रिलायबल है कि नहीं. एंड क्या ऐसे है कि मैंने एक बार आउटसोर्स किया ना मेरा काम खत्म, तू एंड तेरा डेटा तू चेक कर, मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए बस. ऐसे होता या शुड देर बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू? प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए तभी कहना ऐसे रिलायबिलिटी ऑफ द आउटपुट विल बी ऑन अ हायर साइड. इसमें रॉकेट साइंस है या लॉजिकल चीज़ें चल रही है? सब लॉजिकल चीज़ें चल रही है. द मोर एंड मोर यू रीड सच क्वेश्चन आंसर्स, बट डायरेक्ट रीडिंग नहीं जो हम अभी कर रहे हैं, पहले पढ़ो क्या पूछा है एंड हेड पॉइंट्स तो विजुअलाइज करने की कोशिश करो. जितना ज़्यादा आप करोगे ऐसा उतना ज़्यादा आपका थिंकिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाओगे. आर यू गेटिंग मी? यस. शैल वी मूव ऑन टू वन मोर पॉइंट? चलो आगे का क्वेश्चन में जाएंगे. ओके रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. वैसे खाने का टाइम हो रहा है तो सी पॉइंट करो, 4C. किसके बारे में पूछा है? आईसी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ओके एंड सो दो चीज़ें पूछी है, दो चीज़ें पूछी है. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि हाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में. ओके 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 शुरू. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दो पेजेस हो गया, बहुत हो गया, चलो आगे. मैंने पूरा आंसर लिखा था, मेरे को आधे नंबर से भी कम आए. अरे आधे नंबर से कम क्यों आएंगे? क्योंकि आधा ही लिखा है ना तुमने. क्वेश्चन दो पूछे, एक नहीं पूछा है. वन इज अबाउट एक यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैसे होने चाहिए. एंड नंबर टू व्हाट कैन बी द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कौन बताएगा मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे होने चाहिए? उसके लिए आज ही हमने कुछ तो बोला ना, चेकर में करनी बेटा, मेकर चेकर. तू पहले चेक कर रही है फिर मेक कर रही है. मेकर चेकर सिस्टम. ओके अच्छा तो ऐसे कुछ पढ़ा था ना हमने, कहाँ पे पढ़ा था हमने आज? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था ना. तो क्या कहना ऐसे वही पॉइंट आ सकते हैं इसमें थोड़े बहुत स्टार्ट में अबाउट इंटर, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आपको बताना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी कैसे होती है, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के. 5 पॉइंट, डोंट लुक बैक. 5 पॉइंट. सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, एथिक्स होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज होने चाहिए, वट एवर TCWG रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए पहला. सेकेंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक चीज़ को पकड़ पकड़ के उधर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिठाओ. तीसरा
कंट्रोल एक्टिविटीज जो मैंने बोला जनरली साइमल्टेनियसली चलेंगी, कंट्रोल एक्टिविटीज में ये जो पॉइंट बोला था बंदा मेकर चेकर वाला वो चलेगा। चौथा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, साइमल्टेनियसली सिर्फ नहीं करना बाद में भी मॉनिटर भी करो उसको, जिसके लिए हमने एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े। एंड पांचवा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिलेटेड फाइनेंशियल्स, फीलिंग गुड यू आर एबल टू रिकॉल द पॉइंट्स, भले ही 5 में से 5 नहीं बट 3-4 तो बोल पाया बराबर ना। सो ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ये तो सिर्फ, हाँ ये तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में है। सेकेंड हाफ क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये अपने IPCC में पढ़ा है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बट आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है थोड़ा लॉजिकली सोचो, एक पॉइंट तो आज ही मैंने बोला था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशन क्या हो सकता है, शी वॉज मेकर आई वॉज चेकर, हमने हाथ मिला लिए एंड हमने बोला कि चलो हम दोनों मिलकर आधा आधा पैसा बांट लेते हैं, यू रिमेंबर दैट पॉइंट, यस। सो इसको बोलते हैं कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज, व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर दैट, कल्यूजन, कल्यूजन, हम दोनों ने मिलकर कोलाइड किया, हम दोनों ने मिलकर वी ज्वाइंट हैंड्स एंड वी चीटेड द कंपनी, इफ यू वॉन्ट टू नो दैट कोल्यूजन, कोल्यूजन मतलब ज्वाइनिंग हैंड्स, एम्प्लॉयज ने कोल्यूजन किया एक दूसरे के साथ, ये पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा और एक इनहेरेंट लिमिट, इनहेरेंट समझते आप, इनबिल्ट, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ऐसा क्या लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल में बोलो, इस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते। मेकर कितने मेकर चेकर रखेंगे यार, सभी ने मिलकर हाथ एक साथ मिला लिया है तो कुछ नहीं कर सकते आप, वैसे और क्या हो सकता है, लॉजिकली सोच पा रहे कुछ, एक पॉइंट भी एडिशनल, ये तो मैंने ही बताया था आपको। क्या क्या ऑथराइजेशन, हाँ ओके, सो ही सेइंग दैट मैनेजमेंट इटसेल्फ इज डिसऑनेस्ट, TCWG दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ही इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ रामलिंगन राजू। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना भी अच्छा है उसमें टेक्निकल वर्ड जो आता है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, ये डिक्शनरी वर्ड्स हैं, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, ओवरराइडिंग मतलब क्या, वायोलेटिंग, मैनेजमेंट ने ओवरराइड किया कंट्रोल को, जैसे बोला रामलिंगन राजू ने क्या क्या फेक सेल खुद ने इंट्रोड्यूस करवाया, हाइप्ड कैश उसने इंट्रोड्यूस करवाया, फेक बैंक बैलेंस स्टेटमेंट्स उसने इंट्रोड्यूस कराया, सो मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल ब्रेक कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, आप कुछ नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग कंट्रोल्स में तीसरा पॉइंट इसी का एक कंटिन्यूशन थोड़ा बीकॉम स्टाइल में, सीनियर लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड, बराबर ना, इसी का एक सब पॉइंट आ सकता है ना, सीनियर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं, ऑडिटर को पता भी नहीं चलेगा एंड तक, कुछ नहीं किया जा सकता इसका, ओके। सो ये पॉइंट्स आपको आपके नोट्स में जो कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। सो अगर स्पेसिफिक आरटी में पूछा है तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, IPCC लेवल का डिस्कशन है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये अलग अलग इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। बेसिक मीनिंग इज क्लियर, यस, चलो लेट्स मूव ऑन। कंपनी ऑडिट मेरे हिसाब से ये हमने अभी अभी वाला किया उसमें से क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट राइट आउट 6B। आई एम श्योर आपने डिस्क, अच्छा ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, हेडिंग, हेडिंग किसके ऊपर बेस्ड है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, नंबर वन, ये तो बेस ब्रॉड पता चल गया। सेकंड उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में स्पेसिफिकली किसके ऊपर है, रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटीज, सो ऊपर और एक थोड़ा ब्रॉडर पूछा तो होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें सब सेक्शन रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटीज क्या बोला है बेर एक्ट में, इफ अ पर्सन हिमसेल्फ और इज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और सब्सिडियरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी और सच होल्डिंग कंपनी, ओके, इन दैट केस
क्या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज अगर है, किसने होल्ड करा है? रिलेटिव ने होल्ड करा है तो ये चलेगा। अब बात इधर ख़त्म नहीं होती है, क्या स्टेप ब्रदर रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है? क्या आता है? स्टेप ब्रदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। सिर्फ स्टेप डॉटर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आती है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, डॉटर आती है, स्टेप डॉटर नहीं आती है। लास्ट बैच में एक लड़की, मतलब मुझे लगा था अब ये रोने ही लगेगी 2 मिनट के बाद क्लास में, मैम ये ना इंसाफी है। मैंने कहा बेटा आई नो इवन ये भी ना इंसाफी है, आई फील इट्स अ ओमिशन बाय द लॉ मेकर्स, मतलब ये मिसप्रिंट या फिर मतलब वो भूल गए टाइप करना, ऐसे मुझे लगता है, सीरियसली मुझे ऐसे लगता है। बिकॉज अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा ना तो उसमें ऐसे क्लियर कट लिखा है फादर इंटू ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंटू ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्टेप मदर, जिन्होंने बेयर एक्ट देखा है, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन एंड डॉटर। हाँ तो इंटू ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर क्यों नहीं लिखा? तो एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम स्टेप स्पाउस भी तो नहीं लिखा है। अरे स्टेप स्पाउस नहीं छोता, सिर्फ स्पाउस होता है। ओके ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड स्टेप डॉटर मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर कट ओमिशन, भूल गए लॉ मेकर्स, अभी तक उनके दिमाग में आया नहीं है। आइडियली होना चाहिए बट वी कांट राइट ना आइडियली होना चाहिए, हम लिख नहीं सकते। बट स्टेप ब्रदर है क्या डेफिनेशन में? एब्सोल्युटली है। क्या ये बंदा क्वालिफाई होगा या डिसक्वालीफाई होगा? क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, वाई 1 लाख के लिमिट के अंदर है। क्लियर है? यस। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7A। क्या आज हमने किया है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल का? किया ना हमने, किसने एप्लीकेशन दिया, सुओ मोटो, ये वो, बराबर। ओके ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर हम जाएंगे तो जस्ट रीड द पॉइंट नंबर 9A एंड व्हाट इज इट अबाउट, इफ यू कैन गेस इट। किसके बारे में क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, अंडरलाइनिंग पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है ना कैसे रिकॉग्नाइज करना है? क्या पूछा है भाई? इश्यूज एड्रेस्ड इन सेबी एलओडीआर, क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए एलओडीआर में, क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए, मतलब क्या पूछा है? डिस्क्लोजर्स है क्या? नहीं, आप देखो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अब आंसर में भटकना नहीं है। इश्यूज क्या क्या कवर किया है, इन शॉर्ट क्या ऐसे चैप्टर समरी पूछा है, एलओडीआर में किस किस के बारे में डिस्कस होता है, वॉट आर द इशूज, ऑल इशूज कवर्ड इन एलओडीआर, पूरा पूरा पूछा है। क्या हमने ऐसे कुछ, मैंने एक्चुअली वो थोड़ा सा भगाया था बिकॉज उसमें कोई चेंज ही नहीं है, आपके क्लॉज 49 एंड इसमें सेम ही है, इसलिए थोड़ा सा भगाया था आपको, वापस लेके जाती उधर। सबने नोट्स ओपन करे? जहां पे अपना स्टार्ट होता है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एवरीवन, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहले बेसिक्स आया, बेसिक्स के नीचे क्या लिखा है, बेसिक्स के नीचे क्या हेडिंग है? इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एग्जैक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन है, बराबर ना? बट ये आपको याद भी नहीं आ रहा है, ये किया कि हमने, मैम ने तो अंडरलाइन किया, क्या पता कब किया, बिकॉज ये मैंने पूरा फटाफट पढ़ के बताया था, ये सेम है एज क्लॉज 49। सो नाउ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्या ऑडिट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं? दिस इज अ कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या इसमें थिंकिंग है, क्या आप लॉजिकली बोल सकते हैं उसमें? इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले आपको पेपर में, कौन से तीन टाइप? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ये आंसर, बात खत्म, नो थिंकिंग, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड, केस स्टडी बेस्ड, जो हमने अभी अभी किया था,
एंड तीसरा जो आएगा वो एज एन ऑडिटर व्हाट आर द फैक्टर्स, एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डिसाइड. अच्छा प्लीज अंडरस्टैंड, इसका भी कहीं ना कहीं बेस किधर तो लिखा रहता. बच्चे क्या बोलते, बहुत जनरल पेपर था ना, जनरल आपको लगा उसके पीछे बेस है. ओके कुछ भी बोलते बच्चे, मेरे को ऐसे व्हाट्सएप भी आते, मैम इस बार का ना रफली 60% जनरल था, मतलब तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तुम्हारी, तुम्हें जनरल लग रहा है. इतना बड़ा जनरल 60% कभी भी नहीं हो सकता है. ओके अगर आप क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हो, नाउ दैट्स व्हाट आई बिलीव यू शुड डू. जितने ज़्यादा एस्पेशली प्रैक्टिस मैनुअल अगर आप उठाते हो, आरटीपीज उठाते हो, मैं तो बोला अगर प्रैक्टिस मैनुअल नहीं जमता आपको, इतना बड़ा कौन करेगा. आरटीपीज ले लो, पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी ले लो यार, बिलीव इट और नॉट, एंड यू ओनली टेल मी हाउ वाज द पेपर. सही में बोल रही हूँ मैं आपको, अगर पीएम करने का टाइम नहीं है, 4 अटेम्प्ट के आरटीपी उठाओ, एटलीस्ट थ्री एंड टेल मी हाउ वाज द पेपर. बट डायरेक्टली अब हाँ देखा ना, हमने देखा बहुत खराब गया, सिर्फ देखा मतलब देखा नहीं है, मतलब प्रैक्टिस इट. कैसे प्रैक्टिस, जो अभी बोला वैसे ही. क्या क्वेश्चन पढ़ने का, आइडेंटिफाई एंड हेड पॉइंट्स एंड देन टेल मी हाउ वाज द पेपर. ओके यस, सो ये समझ में आई. क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपको लिखना ही है, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा आपको, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद पटाखा, पटाखा का नहीं करते हैं, जस्ट रीड रश थ्रू क्वेश्चन नंबर 10 एंड टेल मी हैव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. अरे क्या इंग्लिश में लिखा है, फटाफट एक सेकंड में समझ में आ जाओ, वैसे दिमाग फोड़ के बैठ रहे, क्या हुआ. वही है ना, कौन से पांच डिस्कस किए ना हमने, वही उसके ऊपर ही है. अब बच्चे मैम ने वो 5 पॉइंट्स रटवा लिए थे, वो क्वेश्चन पेपर में ही आ गए. इसके अंदर क्या था ये भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी किया क्या हमने, किया है, प्लीज डोंट से नो. ओके क्या था बोलो, पेरेंट्स ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर, सेम है तो अच्छी बात, वी नो एवरीथिंग, व्हाट इज द टेंशन. सेकंड उसका एंड अपना अलग है, तो 600 706 का रेफरेंस. तीसरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स अलग है, कन्वर्जन ऑडिट. चौथा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, कितना डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा ही है, बढ़िया नो प्रॉब्लम. एंड लास्ट कंपोनेंट्स ऑडिटेड नहीं है, 705 मॉडिफाई, बराबर ना. सो निराश नहीं होना, हमने अंदर का भी पढ़ा है, सी विल बी एबल टू राइट दिस. ओके यस चलो, फिर उसके बाद एक ऑडिट ऑफ बैंक्स का आता है, बट अगेन यू शुड हैव डन सम स्टडी ऑन दैट, SLR वगैरह आपको पता है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आधे लोग SLR आ गया. ओके जस्ट मे बी विल जस्ट डू 1 or 2 मोर. चलो रीड पॉइंट नंबर 15B. किसके ऊपर क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट एग्जेम्पशन. अब इतना बड़ा क्वेश्चन एंड ऊपर से अपने को लास्ट लाइन बीइंग एन एक्सपर्ट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तब थोड़ी कॉलर है, अब एक्सपर्ट है हम. ओके अब क्या करना है अपने को, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड इन दिस रिगार्ड, क्या करना क्या पता. क्या ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, चेंज योर परसेप्शन. जो लगता है ना ऑडिट अ वेग, बहुत जनरल, चेंज हो रहा है क्या परसेप्शन, आरटीपी कर रही हूँ आपके सामने, आरटीपी कर रही हूँ,
क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए? एब्सोल्युटली यस. ओके, गोइंग ऑन टू लास्ट वन और टू. चलो आपका फेवरेट खत्म करेंगे, तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस के नोट पे छोड़ते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे. चलो 19A. क्लॉज सिक्स. अच्छा, इसको आंसर कैसे करना है? एज पर क्लॉज सिक्स ऑफ पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिट्स क्लाइंट्स थ्रू IMCPA. बराबर ना? एंड एक्सेप्शन दो. ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया. सेकेंड पैराग्राफ, फैक्ट्स ऑफ द केस. फेवरेट पैराग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन. ओके, सो फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया. एंड एंड में आपको कंक्लूजन लिखते वक्त ये भी लिखना पड़ेगा, हाउएवर एज पर एन अमेंडमेंट इन क्लॉज सिक्स. चाहिए तो आप ये फर्स्ट पैरा में भी डाल सकते हो, अमेंडमेंट इन क्लॉज सिक्स करके. जब आपने पूरा प्रोविजन लिखा ना क्लॉज सिक्स का, उसमें भी आप ये डाल सकते हो, अमेंडमेंट इन क्लॉज सिक्स विच सेज दैट. क्या था ये? क्या टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाँ चलेगा, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली फॉर सी एस ए तो आपको मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब होनी चाहिए. क्यों? लॉजिक बताया. चिंदगिरी हो सकती है. 5000 में ये करिए, मैं 4900 में करूँगी, मेरे को दे दो काम. ये ना हो, इसके लिए मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब होना चाहिए, तभी आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो. क्लियर? हाउ टू राइट द आंसर इज ऑल्सो क्लियर. थ्री पैरा फॉर्मेट. सेकेंड क्वेश्चन, क्लॉज 10, बराबर कि नहीं? इस तो बहुत ही जल्दी भूल दिया आंसर. CAY. क्या ये एक्सेप्शन ही है? आज पढ़ा था ना, एक्सेप्शन ही है. यस yes. तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? पूरा एज पर क्लॉज 10 ऑफ पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही चार्जेस फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज और डाटा. जिसमें आपको एक्सेप्ट करके वही सब लिखने हैं. पूरे पूरे नहीं लिखे, अगर टाइम नहीं उतना, पूरे पूरे नहीं लिखे तो ये वाला 100% लिखना ना, विच इंक्लूड्स न्यू. या फिर एटलीस्ट जो नए एक्सेप्शन ऐड हुए वो लिखो, जो RTP में नए नए एक्सेप्शन फ्रेश फ्रेश दिमाग में रहेंगे वो तो लिखो एटलीस्ट. ओके, देन आपका फेवरेट फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एंड में कंक्लूजन. ठीक है, सी क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन पूछा या मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे? मल्टीपल क्वेश्चंस है, सो अगेन ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस. मल्टीपल क्वेश्चंस है. इफ़ वी गो थ्रू वन बाय वन, ABC एंड कंपनी डेवलप्स अ वेबसाइट ABC.com. कलर्स चोजन फॉर द वेबसाइट वॉज अ वेरी ब्राइट ग्रीन. कौन ऐसे यूज़ करेगा मुझे पता नहीं है, बट अ वेरी ब्राइट ग्रीन. एंड अच्छा, कलर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है या नहीं? नो रिस्ट्रिक्शन, तो दिस इज अलाउड. दूसरा, द वेबसाइट वॉज टू रन ऑन अ पुश टेक्नोलॉजी. अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड. पुल टेक्नोलॉजी पे चल लीजिए, पुश टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहा है. एंड वेयर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा. पार्टनर्स ऑफ द फर्म जो कोई भी है उनके नाम डिस्क्लोज हो सकते हैं. एंड द मेजर क्लाइंट्स वर टू बी डिस्प्लेड. ये नहीं चलेगा. बट कब चलेगा? इसमें लास्ट अटेम्प्ट में ही अमेंडमेंट था, जिन्होंने नहीं करा है. जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना, मेजर क्लाइंट्स वर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर. ये क्यों डाला है? टाइम पास के लिए नहीं डाला है. ये एक्सेप्शन लास्ट अटेम्प्ट में आया था. अमेंडमेंट फॉर November 16 अटेम्प्ट था ये, जिसमें बोला कि अगर रेगुलेटरी ने कंपलसरी किया कि आपको लिस्ट ऑफ मेजर क्लाइंट लिखना पड़ेगा, इतना इतना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, देन आर यू अलाउड टू डिस्क्लोज? ऑफकोर्स भाई, रेगुलेटर ने बोला तो करना ही पड़ेगा.
बट यहाँ पे इसीलिए क्या क्लैरिफाई किया है कि रेगुलेटर की भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, एंड अगर आप फिर भी डिस्क्लोज कर रहे हो, इज दैट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। सो सबसे पहला कलर, ये आपको टैकल करना है, पुल पुश टेक्नोलॉजी टैकल करना है, पार्टनर के नाम टैकल करना है, एंड क्लाइंट्स के नाम, चार अलग अलग क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में बंद है, एवरी यू हैव टू टैकल। ओके, शैल यू मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट देखो, ये आज हमने डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज तीन ही अमेंडमेंट थे ना, खत्म हो गए ना, तीन क्वेश्चन तीन अमेंडमेंट खत्म हो गया, चौथा अमेंडमेंट नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ये एक तो अलग से आना है। दिस इज अबाउट वन क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, बराबर, जिसमें मनी रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स डू यू हैव टू मेंटेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट? यस, इफ इट इज नॉट टू बी यूज्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपको लग रहा है? नहीं, तो क्या ये मिसकंडक्ट होने वाला है? हाँ, ये मिसकंडक्ट होगा। एंड इफ यू मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट नोट्स, लास्ट ई वाला शॉर्ट नोट कौन सा है? देखो ई वाला, पढ़ा है क्या हमने आज? हाँ, पार्ट वन पार्ट टू एंड जनरल इंस्ट्रक्शन उधर ही पुराने इसमें, एंड इन डेज में क्या है, पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री क्लियरली ऑन जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑन कंसोलिडेटेड। यस, एब्सोल्युटली। ओके, आर यू गेटिंग दैट बेसिक हैंग कि क्या क्या किस टाइप का आएगा? पक्का फॉर श्योर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आएगा? जाते जाते कोई कोई लोगों के दिमाग में होगा कि बोले नहीं बोले, और मेरे को भी बहुत इच्छा होती है ऐसे, जाते जाते गाना नहीं गाया तो क्या मजा आया मतलब। सो एक लास्ट सॉन्ग आई विल सिंग, इट्स अ वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग, जैसे मैंने बोला ना वो होश वालों को खबर क्या, ये सीए स्टूडेंट्स के लिए बनाया, तो ये गाना भी सीए स्टूडेंट्स के लिए बनाया मुझे लगता है, डोर मूवी का गाना है ये, हौसला कैसे झुके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके, राह में कांटे बिखरे अगर, पेपर सारे ना आपके, राह में कांटे बिखरे अगर, इस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा दे सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके। थैंक यू। सो हौसला बनाए रखो, अच्छे से मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस। ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। माई ईमेल आई डी इज, दोज डोंट नो उनके लिए फटाक से मेरा ईमेल आई डी दे देती हूँ, इट्स fadke.rachna@gmail.com। यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी, 99% आई विल रिप्लाई द क्वेरी विद इन 24 आवर्स, आई डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो बिंदास, आप मेरे स्टूडेंट पहले रह चुके हो नहीं रह चुके हो, दैट डज नॉट मैटर, सॉल्विंग डाउट्स इज ऑफ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू।